भाईजान जिंदगी में एक चीज समझ लो, क्रेडिबिलिटी ही हर चीज है। जिंदगी में ना क्रेडिबिलिटी की बड़ी वैल्यू है। ज्यादातर लोग इस चीज को समझते नहीं है। देखें, जो किसी हद तक बात प्रायोरिटी की भी है कि आपकी प्रायोरिटी है क्या। यार मोबाइल वगैरह साइलेंट कर लो, सीरियस बात हो रही है यहाँ। अच्छा, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी असल में है क्या। अगर तो आपकी प्रायोरिटी है ना यहाँ पे आके कुछ सीखना, और प्रायोरिटी जिंदगी में एक ही होती है, टॉप पे जो होती है। सेकंड थर्ड प्रायोरिटी भी होती है, लेकिन वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। प्रायोरिटी एक ही होती है। तो यहाँ आने का आपका मकसद क्या है? कोई एक प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, टॉप ऑफ द लिस्ट। तो अच्छा, अगर आपकी प्रायोरिटी यहाँ पे आके सीखना है, कुछ बनाना है, क्योंकि मैं तो यार बोलता मैं चला जाऊंगा, पिछले 3-4 क्लासों में मैं थोड़ा तेजी से चलता चला गया, तो आप लोग कहने लगे कि सर ये तो सब ऊपर से जा रहा है। तो भाई अब उसके लिए उसका हल क्या है? उसका हल तो यही है ना कि आप उसको अपने हाथ से करें। जितना मैंने बता दिया है उतने पे ग्रैस्प आपका आ जाए, ठीक है, उतने को आप पिक कर लें, अपने हाथ से उतना कोड लिखना शुरू कर दें, तब मैं आगे बढ़ाऊँ। यही हल है ना उसका, और कोई हल है? अच्छा नहीं, मैं बिला वजह स्टॉप हुआ हूँ क्योंकि सैलानी ने मुझे एक डेडलाइन दी हुई है ना कि यार इतने टाइम पे उस कोर्स को निपटाना है, कम खत्म करना है, तो मैं बिला वजह रुका हुआ आपकी वजह से। अच्छा, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं वो बनाता रहूंगा और बना बना के मैं भी फेसबुक पर डालता रहूंगा कि ये मैं बच्चों को बना बना के दिखा रहा हूँ। कल को सैलानी मुझसे पूछेगा अगर कि बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, तो मैं वो वीडियोस दिखा दूंगा। ये तो रिकॉर्डिंग वैसे ही मेरे पास सेव हो रही है। मैं कहूंगा यार ये पढ़ाता था मैं क्लास, देख ले, मैंने तो ये सब बना बना के डाला हुआ है और फेसबुक पे भी डाला हुआ है, ये खुद ही नहीं बना रहे। अच्छा, फिर सैलानी मुझसे पता क्या कहेगा कि अगर ऐसा था तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। अच्छा, अब मैं क्या करूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं सैलानी को इन्फॉर्म करूंगा तो क्या होगा, ये भी समझ लो। वो एक टेस्ट रखेंगे, बल्कि अभी मैं ये कर सकता हूँ। मुझे अभी पिछले दिनों गजाल भाई का मैसेज आया था कि वो बच्चे जो सीख रहे हैं ना, उनसे सैलानी के लिए एक चैटबॉट बनवाना है। अभी मैं उनको फोन करूंगा दोबारा कि यार कोई बंदा हमें दे दे, सैलानी के लिए 50 सवाल लिखवा दूंगा, उसका चैटबॉट बनाने के लिए दे देंगे। वो एक दिन सरप्राइज टेस्ट होगा आपका, वो जो नहीं कर सकेगा उसको हम ड्रॉप आउट कर देंगे। यही करता है सैलानी का, तो यही तरीका है, सीधा सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। टेस्ट में फेल हुए बाहर, छुट्टी की बाहर, किसी से बदतमीजी की आपने, एटीट्यूड अच्छा नहीं हुआ बाहर। इस तरह के लोगों को सैलानी की जरूरत ही नहीं, ना सैलानी को इस तरह के लोगों की जरूरत है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे सीखने सिखाने का एटीट्यूड है। अब मैं उनको इन्फॉर्म करूं, मैं इस तरह की चीजें करना नहीं चाह रहा सर। मैं चाह रहा हूँ आम तौर पे जो सैलानी में क्लासेस होती हैं, आपका अभी तक यहाँ पे एक भी टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है? आम तौर पे सैलानी में जो क्लासेस होती हैं उनका टेस्ट बना हुआ है पहले से। वो टेस्ट उनका होता है टाइम पे, जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी है उसका टेस्ट बना हुआ है, टेस्ट होता है उसका। नॉट जेस आपने पढ़ी है, नॉट जेस का भी टेस्ट बना हुआ है, मेरे पास भी बना हुआ है, लेकिन आपका टेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, क्या रीजन है उसका? क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ नए किस्म का। ये एक बैच हम इससे पहले भी निकाल चुके हैं वेब का, इसी तरीके से कि आपका क्विज नहीं किया जाता, क्योंकि क्विज जब स्केजुअल होता है ना, तो ये साइंस से बात साबित है कि आप जब बता के टेस्ट लेते हैं ना, तो उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं होता। आपको लेना होता है सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट का उसमें असल पता चलता है कि कौन बंदा कितना रेडी है। और अल्लाह पाक ने भी यही सिस्टम रखा है। अल्लाह पाक ने भी कहा अचानक होगा टेस्ट आपका, अचानक मौत आएगी और फिर सवाल जवाब शुरू हो जाएगा, अचानक होगा, बता के नहीं होगा, बता के कोई टेस्ट नहीं होता, बेवकूफी की बात है। क्योंकि आप बताएंगे तो क्या होगा, वो बायस हो जाता है जो पूरा आपका कोर्स है ना। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि 6 महीने का कोर्स है, हर 2 महीने पे टेस्ट होगा, तो वो जो 2 महीने के आखिरी 4-5 दिन है ना, उन पे बहुत लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाकी कोर्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो वो बायस आ जाता है आखिरी के दिनों पे। तो ये नए किस्म का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है ये पूरी दुनिया में अब यही निजामे तालीम चल रहा है, जो किंडरगार्टन से लेके 4th ग्रेड 5th ग्रेड तक अब उस तरह के टेस्ट नहीं होते जो हमारे यहाँ हो। स्कूलों में अभी भी वही है पुराना वाला, लेकिन अब पूरी दुनिया में उस तरह से स्कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा। अब वो स्कूलिंग सिस्टम ये है कि बच्चों को बिठा देते हैं और वो ब्लॉक से बनाते हैं और वो चीजें करते हैं क्रिएट खुद से, कोई ऐसे बता के टेस्ट नहीं होता, और उसी दौरान उनको एनालाइज कर लिया जाता है कि ये बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो
तो ये बिल्कुल नया किस्म का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस वजह से आपका कोई टेस्ट वगैरह नहीं हुआ। अच्छा, तो इसमें फिर असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है? असेसमेंट का क्राइटेरिया इसमें यह है कि आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे, वो सारे टास्क अगर आप करते रहेंगे, लास्ट में मैं एक एक्सेल शीट बना के दे दूंगा शरानी को कि यार ये इनके मतलब क्विज की जगह टास्क ने ले लिए इस क्लास में, क्योंकि क्विज का ना किसी को भी कोई फायदा नहीं होता। क्विज का मुझे कोई फायदा है? कल को किसी को आप दिखाएंगे कि ये मैंने क्विज में इतने नंबर आए थे, उसको क्या पता क्विज में क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे। ऑन अदर हैंड जब आप टास्क बनाते हैं, गिटहब में पुश करते हैं, दो दुनिया देखती है, तो उससे आपको भी फायदा होता है, मुझे भी फायदा होता है, और कल को किसी को दिखा भी सकते हैं। आपको क्विज का स्कोर आप किसको दिखाएंगे? क्विज के स्कोर लगे हैं मेरे पास भी, आप जाएंगे, अब तो खैर फेसबुक वगैरह मैंने बंद कर दिए, पेज पे आ गया हूँ, वरना फेसबुक पे मैंने भी सारे स्कोर स्कोर लगाए हुए थे, आज तक मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जो मैंने छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी गिटहब में पुश किया था ना, उससे मुझे बेनिफिट हुआ। एक जिंदगी में मैंने प्रोजेक्ट बनाया था रस्ट का, वो प्रोजेक्ट भी नहीं था ऐसे ही हेलो वर्ल्ड कुछ बनाया था, उस प्रोजेक्ट से भी मेरे पास बंदा उठ के आया कि यार आप रस्ट पे काम कर रहे हो, मैं रस्ट का बंदा चाहिए, उससे मुझे बेनिफिट हुआ। लेकिन ये जो 90, 95, 98 स्कोर मैंने लगाए हुए थे ना फेसबुक पे, उससे मुझे आज तक कोई फायदा नहीं। तो ये वजह है एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, और दुनिया में जो हो रहा है लोगों को देख के भी सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई आके सिखाएगा तो जब ही होगा, देख के भी बंदा बहुत कुछ सीखता है। जैसे क्लास में होता है ना, एक बंदे की मार लगती है तो सारे बच्चे सीधे हो जाते हैं, तो अगर सारे सीधे नहीं होंगे तो क्या होगा, वो उनकी भी लगेगी मार। तो हमें भी ना दुनिया को देखना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, उसको देख के हमें भी थोड़ा सीधा होना चाहिए, नहीं होंगे सीधे तो उन्हीं की तरह ठोकर खाएंगे फिर सीधे होंगे, समझ रहे हो? तो भाई ये एक नए किस्म का सिस्टम आपके साथ लेके किया जा रहा है, जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है सैलानी का। इनशाला इन मुस्तकबिल करीब में सैलानी का पूरा सिस्टम इसी का आ जाएगा। अच्छा, तो प्लीज आप ये साबित करें कि ये तरीका सही है। अच्छा, टेस्ट, वरना टेस्ट होगा आपका, एक क्लास टेस्ट में जाया होगी, उसके बाद अनाउंसमेंट होगी सर क्या कवर हो रहा है क्या नहीं कवर हो रहा है, भाई जो पढ़ाया जा रहा है सब कवर है, और ये जो असाइनमेंट्स आप बना रहे हैं इसकी एक लिस्ट तैयार हो गई है। आखिर में आपका एक हैकाथॉन भी होगा, पहले ये होता था आखिर में क्विज होता था, लेकिन अब आपने नोट किया होगा पिछले 2-2.5 सालों में आखिर में हैकाथॉन होता है, इससे पहले ये रिवाज नहीं था। ये पिछले 2-2.5 सालों में ये हमने समझा है कि अच्छा आखिर में हैकाथॉन करने से काफी इंप्रूवमेंट आती है, और अब तो माशाल्लाह उसमें प्राइजेस वगैरह भी दे रहे हैं। अभी जो वेब वालों का हैकाथॉन हुआ था उसमें 3 लोगों को लैपटॉप वगैरह कुछ दिया है उन्होंने, वो अभी तक फाइनल तो नहीं हुआ उसका रिजल्ट, हो रहा है अभी वो। तो ये एक बिल्कुल नए किस्म का एजुकेशन सिस्टम है जो यहाँ पे मुतारुफ कराया गया है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे प्रायोरिटी की, तो आपकी यहाँ पे आने की जो प्रायोरिटी है ना, अगर वो पढ़ाई करना है तो तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में क्विज तो हो नहीं रहा, क्विज होगा तो रट्टा मार के आप दे देंगे, क्विज तो हो ही नहीं रहा। प्रोजेक्ट जब ही बनेगा आपसे जब आपने खुद किया हुआ होगा, अगर आपने खुद मेहनत नहीं की रही होगी, लोग समझते हैं ना कि मैं किसी दूसरे का देख के कर लूंगा, बेवकूफी की बात है, प्रोग्रामिंग में बिल्कुल बेवकूफी की बात है कि मेरे पड़ोस वाले ने कर लिया तो मैं भी कर, बिल्कुल बेवकूफी की बात। आप करी नहीं, आपको कोड ही समझ में नहीं आएगा कि वो हुआ हुआ क्या है, कोड समझ में ही नहीं आएगा आपको। वकार बताओ, आर्टिकल से तुमने जो देख के किया है शार्प कॉर्नर, वो एज इट इज पूरा कोड लिखा हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ था उसने, लेकिन वो आखिर में एक छोटी सी लाइन है उस पर नजर नहीं पड़ी, वो कोड चल ही नहीं रहा। अच्छा, तो जब तक वो समझ में आपको नहीं आएगा ना, आप किसी का कोड देख के चलाएंगे वो चलेगा ही नहीं आपसे, एज इट इज उठा के अगर आपने चला भी दिया थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे पूरा कोड बंद हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है। बिल्कुल बेवकूफी की बात है कि मैं पड़ोस वाले का देख के कर लूंगा या मैं छाप लूंगा इसका, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वरना अगर ये पॉसिबल होता प्रोग्रामिंग में तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल तो भरे पड़े हैं, डॉक्यूमेंटेशन में सब लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे होता है, तो लोग देख के कर लेते हैं, उसी देख के करने के तो पैसे हैं भाई, उसी देख के करने के $1,000 लोग चार्ज कर रहे हैं पैसे, क्योंकि मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल होना नुकसान नहीं है, फायदा है, क्योंकि जो चीज मुश्किल होती है उसी के पैसे होते हैं, आसान काम का कोई बेवकूफ नहीं है कि आसान काम के पैसे दे दो, कोई बेवकूफ नहीं है इतना, समझ रहे हो? अगर आपके बाइक की ब्रेक ढीली हो गई है, आपको पता है मैं हाथ से हल्का सा घुमाऊंगा टाइट हो जाएगा, अब कोई आपको कहे यार 2,000 रुपये लूंगा मैं ब्रेक टाइट करने के, आप दोगे उसको 2,000 रुपये? आसान सा काम है, आप कर सकते हो, या चलो आप हाथ गंदा नहीं करना चाह रहे, सिर्फ इसलिए कि आप हाथ गंदा नहीं करना चाह रहे हो उसको आप 10 दे दोगे 20 दे दोगे, बहुत ज्यादा ही अगर चालाक हुआ बहुत ज्यादा तो 50 ले लेगा वो, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता ब्रेक टाइट करने के लिए।
मिसाल के तौर पे आपको दीवार पे कलर करना है, कलर करना है दीवार पे, इस पूरे कमरे में कलर करना है, उसको आप दिन की मजदूरी कितनी दोगे बंदे को? अभी 1600 रुपए चल रही है दीवार पे कलर करने की मजदूरी, अभी रिसेंटली करवाया था मैंने तो पता चला मुझे 1600 रुपए, वो कह रहा था कि 1600 रुपए लेते हैं एक दिन का, और ये वो जो भी जगह होगी वो देख के बता देगा कि यार इतने दिन में मैं कर दूंगा ये, बस 2 मिनट में छोड़ता हूँ। तो अगर वो ये कहे कि मैं 16000 रुपए लूंगा दिन के, तो क्या कोई देगा उसको? नहीं देगा। वो कहेगा यार 16000 रुपए तो इतने में मैं खुद कर लूंगा। बंदा कहेगा 16000 तो मुझे नहीं मिल रहे एक दिन के, 16000 रुपए एक दिन का मतलब है कि 16,10,000 दिन के, तो और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 दो 32 और काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो इतना वो नहीं मिलेगा उसको, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई देगा ही नहीं। अच्छा, ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ अगर आप देखें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की आप तनख्वाहें देखें, गूगल करें, $70,000 पर ईयर, महीने की बात नहीं हो रही है, पर ईयर $70,000 एक एवरेज सैलरी है, किसी भी टेक्नोलॉजी भी आप काम करते हैं इससे कम नहीं है, एवरेज सैलरी है, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। अब जाहिर है आप जब पाकिस्तान में छोटी मोटी कंपनी में जाएंगे फिर जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ही आप ऊपर जाते हैं, एकदम तो इस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे आप, लेकिन ऑन एवरेज सैलरी जो है एक बैंकर की सैलरी क्या है? पूरी दुनिया में $35,000-40,000 सालाना उनकी भी है, वो इतने भी गए गुजरे अभी नहीं हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जा रही है दिन के साथ साथ, वो कम होती जा रही है, तो बैंकर से डबल सैलरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी काम ये कर रहा है ना वो बैंकर से डबल मुश्किल है, जो भी काम कर रहा है बैंकर से डबल मुश्किल है। मुश्किल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ज्यादा पैसे, जो काम जितना मुश्किल होगा उतना अच्छा। और मुश्किल होने का फायदा एक और भी है, मुझे पता है कि किसी और से होगा ही नहीं, किसी और से नहीं होगा, मुझे पता है। मेरे पास वो, मेरे पास भले 2 दिन मुझे लगे उसके, 2 दिन में मैं काम करके दूं ना, मैं उसके $5,000 चार्ज करूंगा, किसी और से करवा लो वो भी इतना ही करेगा, क्योंकि है मुश्किल ना यार, है मुश्किल। अभी मैं रिसेंटली आपसे जिक्र किया था कि मैं एक रेस्टोरेंट की ऐप बना रहा हूँ, वो मेरे पास पहले से बनी हुई थी, किसी और के लिए भी मैंने बनाई थी, सेम ऐप मुंबई पर पहले से बनी हुई थी, वो रेस्टोरेंट से नहीं थी, वो किसी और चीज की थी, वो एक हार्डवेयर की शॉप की थी कि किस आइल में क्या रखा हुआ है, तो वो वही चीजें सारी उसमें भी यूज हो रही है, कि बंदा उसको कहता था अच्छा ये लाके दे दो, ये लाके दे दो, पूरा लिस्ट तैयार होता था, उसके बाद वो उसको ओके करता था तो चलता जाता था और टिक टिक निकलता जाता था कि बस रुक जाओ यहाँ पे, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ऑलमोस्ट सेम चीज थी। तो मेरे पास वो सारा बना हुआ था पहले से, तो मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन मसला ये कि वो कोई भी बनाएगा तो जाहिर है मेहनत तो लगेगी उसमें, तो चार्ज तो करेगा वो, फ्री में तो नहीं बना के देगा। अच्छा, इसी तरह से आप दूसरे प्रोफेशंस पे गौर करें, जो लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट भी बड़े हाईली पेड होते हैं, क्या एस्ट्रोनॉट बनना आसान है? जाके ना गूगल पे सर्च कीजिएगा कि एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के फेजेस क्या होते हैं। सबसे पहली जो ट्रेनिंग होती है ना उनकी, वो एक झूला सा होता है गोल, उसमें 3 एक्सेस लगा हुआ होता है, वो 3 एक्सेस में घूमता है, उसको लगा के ना मोटर ऑन कर देते हैं, घूमता रहता है, उल्टियां कर रहे होते हैं, पूरा उल्टियों से भर जाता है कपड़ा, और 90 डेज की वो ट्रेनिंग होती है, 90 डेज वो आएगा सुबह से शाम तक उस झूले में घूमेगा, उल्टियां कर करके मर जाता है वो बंदा। एक बल्कि मूवी भी उस पर बनी है, वो उसमें पूरा प्रॉपर दिखाया है कि इस तरह से होते हैं ट्रेनिंग उनकी। मार्शियन है, मुझे नाम नहीं याद, मैंने देखी है काफी पहले, बट उसमें पूरा दिखाते हैं वो यार इस तरह होती है उनकी ट्रेनिंग। फिर उसके बाद अगर आप स्पेस में आप गए हुए हैं ना, और अगर आपका सूट लीक हो गया तो गया खत्म, आपका खेल खत्म वहीं पर, तो बड़ा मुश्किल काम है, हाईली पेड होते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। तो जितना काम मुश्किल होगा उतने ज्यादा पैसे, तो हमेशा मुश्किल काम की तरफ ही जाना चाहिए। आसान काम होगा आपको क्या, कपड़े सिलने आते हैं, कपड़े सिलने आते हैं आपको, तो बहुत सारे लोगों को आते हैं, कुछ ऐसा सिलना आता हो जो किसी को नहीं आता हो, ऐसा कुछ होना चाहिए जब आपको पैसे मिलेंगे हाईली पेड, वरना तो आप किसी दर्जी की दुकान में बैठे हुए होंगे। अगर आपको कपड़े सिलने आते हैं, बहुत सारे दर्जी हैं,
किसी दर्जी की दुकान पे बैठे होंगे, 1,000 रुपए दे देगा आपको दिन के, वो 2,000 दे देगा बहुत ज्यादा, 5,000 दे देगा बहुत ज्यादा, इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते। अगर आपको 16,000 वाले लेवल पे जाना है, 20,000 वाले लेवल पे जाना है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो किसी को नहीं आता, या कम लोगों को आता है, या रेशो बहुत कम है ऐसे लोगों का, ये बहुत मुश्किल काम होगा। अब इसमें आती है नई टेक्नोलॉजी, मुझे पता है इसमें नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो मेरे लिए भी बराबर है, और जो 50 साल का कोई अंकल है जिनको काफी एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी वो नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं होगा। आ जाओ, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, मेरे से वो जीत नहीं सकता। ठीक है, अच्छा अब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के वापस आओ। अब मैं रुकूंगा नहीं तुम लोगों के लिए, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ ऐप को, आज कोशिश करेंगे आज कंप्लीट करके हम अलेक्सा को आज खत्म करें। ठीक है, नमाज पढ़ के जल्दी से वापस आ जाओ। पैसे तो मैं यहाँ से ज्यादा है, सबसे मजे थे तो सर इस पेपर में मेरे को गुरु की तरफ से डिप्लॉय मिल गया सर कार का, लेकिन सर जो उसका एंड पॉइंट पे कनेक्ट करना था उसका लिंक सर वो मैंने लिया, और आज से स्वयं जितने सब काम हो रहे थे वो सर मैं उसको खोला। कोई मसला नहीं है, आज कर लूँगा। जी जी सर, मिल गया 20 लाख में, क्योंकि एलेक्सा की स्किल बनानी है, उसमें एंड पॉइंट से कनेक्ट करना है और उसका कोड वहाँ पर आके कॉपी पेस्ट करना है, कोड वाला बस ये काम है, छोटा सा बाकी है, सब हो चुका है सर। यही तो प्रायोरिटी, इसीलिए तो मुझे पता है ना ये चीज है। मुझे बहुत सारे लड़कों ने ये बात की है सर, पेपर चल रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, प्रायोरिटी की बात होती है ना। देख लो प्रायोरिटी जो ऊपर होगी, एक ही होती है ऊपर, और वही होता है। देखो ये नहीं हुआ ना, सेकंड थी ना, ये नहीं हुआ, प्रायोरिटी एक ही होती है, तो ये डिसाइड तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, प्रोजेक्ट कर लोगे ओके, मेरे लिए नहीं करोगे तो मेरे लिए भी सेम है, मेरे लिए फर्क नहीं है कि तुम कर रहे हो नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना मतलब बात। मतलब तुम करोगे तो मेरा कोई ऐसा फायदा नहीं होगा कि मतलब कुछ नहीं करोगे तो कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होगा, बट बेनिफिट क्या है कि यार मैं यहाँ बैठ रहा हूँ ना, इतनी एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो सर नहीं वो कुछ रिजल्ट्स निकल रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ। और तो कोई लिखकर मैं उसमें कॉलम में जाकर उन्होंने लेक्चर जो लिखा दी थी जो कोई बात नहीं कोर्ट को, लेकिन वो मैं बना नहीं पाया, लेकिन मुझे ये पता है कि मतलब चलो फिर अभी कर लो, मतलब जाहिर दोनों चीजें चलानी है ना, उसको भी कर लो। नहीं करोगे क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा फिर और समझ में नहीं आएगा। गूगल असिस्टेंट इससे और ज्यादा मुश्किल है, अलेक्सा बहुत आसान है, इसीलिए मैंने शुरू अलेक्सा से किया। अलेक्सा की बुक भी मौजूद है, गूगल असिस्टेंट की बुक भी कोई नहीं है, उसकी बुक नहीं है, वो मैं सारा हवा में पढ़ाऊंगा, डॉक्यूमेंट से देख के और हवा में पढ़ाऊंगा सारा। इसमें तो चलो बुक थी पहले, तो बुक से शुरू किया हमने, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट पे मूव करके, अब हम बुक को नहीं देखते ज्यादा, अब डॉक्यूमेंट को देखते हैं। डॉक्यूमेंट भी आधी गलत है, इतना भी पता है, गूगल असिस्टेंट में पूरी गलत है डॉक्यूमेंटेशन, 20-30% सही है, बाकी पूरा ऐसे ही है। गूगल करोगे वर्जन 2 का कोड दिखाएगा वो, और उसके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी भी होगी वर्जन 3 की, ये हुआ है क्योंकि तेजी से 3 वर्जन आया उसके, 1, 2, 3, और तीनों मिक्स हुए हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो और मुश्किल होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ जल्दी अभी इसको पिकअप कर लो। चलो खैर, अलेक्सा के बाद गूगल असिस्टेंट पर आएगा, अलेक्सा के बाद हाँ, डायलॉग फ्लो से पहले एक दो छोटी छोटी चीजें। ये मेरा यहाँ तक ना पूरा प्ले स्टोर है, यहाँ मैं आ रहा है सब, मुझे ईमेल और नाम गेट करना है, ईमेल और नाम गेट करना है ना, वो कोड पुश हुआ हुआ तो है सर, वो मैंने यहाँ से उठा रहा हूँ तो वो नाम आ नहीं रहा है, मैंने आपको ये बोला। और अच्छा, ईमेल का इंटेंट बनाना पड़ेगा या कुछ भी? नहीं नहीं, ईमेल का कोई इंटेंट नहीं बनेगा, टोकन मिल रहा होता है हर दफा, वो किसी भी इंटेंट में ईमेल गेट करोगे तो हो जाएगा। ये आपने ये करा हुआ ना, ये रहा प्रॉमिस से ट्राई दैट यहां से।
नहीं तुम जब ईमेल गेट करो तो एरर क्या है? ईमेल का वो ना ईमेल गई नहीं था, हालांकि मैंने परमिशन दी थी, दी सब कुछ किया हुआ। दो जगह से परमिशन इनेबल करनी होती है, एक इंटेंट में के नीचे जाके इनेबल करना होता है और एक अपने मोबाइल ऐप में जाके इनेबल। हां वो दोनों कर लिए। ईमेल है तुम्हारी अंदर डली हुई ऐप में? हां ईमेल डली ऐप में शो होती है, होनी चाहिए। नहीं मेरा पॉइंट ये, तुम कोड ही अभी क्यों लिख रहे हो? कोड तो तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए ना। कोड मैंने पहले डाला था तो फिर एरर आ गया, मैंने रिमूव कर दिया था। पूरा इंटेंट भी उठा लो, नया इंटेंट बना लो फिलहाल के लिए, जो बना हुआ इंटेंट उसको नहीं छोड़ो। ईमेल नया इंटेंट उठा लो, ये इंटेंट पूरा बनाओ ना, ये पूरा इंटेंट उठा लो, देखो फिर क्या होता है। ईमेल इंटेंट इंटरेक्शन मॉडल में भी ऐड कर देना। इसमें लिखना पड़ेगा क्या? लिख दो, शो मी माय ईमेल। अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे थे, हम एक नया मॉडल हमने क्रिएट किया था जिसका नाम रखा था हमने कार्ट, ठीक है? कार्ट के नाम से एक मॉडल हमने बनाया था। अच्छा यार, अभी भी लोग क्या आ रहे हैं अभी तक? लोग कुछ अभी भी ऊपर लोग हैं यार, 8 बज तो गया, 15 मिनट से तो कहीं ज्यादा ऊपर हो गया। एक सवाल पूछ लेंगे अलग से कि कितना चाहिए, एक सवाल अभी ऐड कर देते हैं कितना चाहिए। डिश का नेम, क्वांटिटी, ईमेल और कस्टमर नेम। अच्छा लास्ट में इस पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि इस स्कीमा के अंदर ना ये सही नहीं बना हुआ, गलत बना हुआ, क्या इसमें गलती है? गलती इसमें ये भाई जान कि ये जो डिश का नाम है ना ये एरे में होगा और इसकी क्वांटिटी भी एरे में होगी, सही है? क्योंकि वो एक डिश ऐड की, दूसरी भी ऐड कर ली, तीसरी भी ऐड कर ली, हर डिश का नाम और क्वांटिटी चाहिए हमें, तो ये पूरा पोर्शन एक एरे में होना चाहिए उसको, ठीक है ना? और इसका नाम मैंने रख दिया आइटम्स, आइटम्स के नाम से कर दिया और मैंने कहा कि भाई आइटम जो है ना वो क्या होगा, एक अदद एरे होगा। अब मैं ये जो बना रहा हूँ ये कहाँ से मैं देख के बना रहा हूँ, ये मोंगो डीबी की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है ये बात कि अगर किसी चीज को आपको एरे बनाना होगा तो आप कैसे बनाना है? सही है, कॉमा यहाँ पे वैसे है। अब ये आइटम जो है ना, ये आइटम्स एक एरे है। अब इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का एक डिश नेम होगा, एक क्वांटिटी होगी, फिर कॉमा डाल के इसी तरह एक और होगा, तो ये डेटाबेस में जो आपको दिखेगा ये एक एरे की सूरत में दिखेगा। तो किसी, ये कार्ट है हमारा,
बंदा आया, बंदे ने कहा भाई गिव मी गोला कबाब, हम पूछेंगे भाई कितना, ठीक है, बंदे ने कहा चलो एक, एक दे दिया उसको। अब वो एक जो इसमें डाला है ना हमने, वो एक आइटम इस एरे में ऐड हो रहा होगा एक्चुअल में। अच्छा, इस काम को करने के कई मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं दूसरे, ये इसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, कि भाई डेटा आपका ना डेटा बेस में आप कैसे सजा रहे हो, कैसे सजा रहे हो कि आपको रीड करने में भी आसानी हो, उसको राइट करने में भी आसानी हो, उस पर गो थ्रू करने में आसानी हो। तो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, उसके ये तीन पर्पसेस होते हैं, कि किसी डेटा को इस तरह रखा जाए कि उसको पढ़ने में यानी रीड राइट करने में और उस पर आइट्रेट करने में, गो थ्रू, मतलब मिसाल के तौर पर कभी मुझे सारे आइटम को पढ़ना है कि सारे आइटम में क्या किया है, तो वो मुझे ये तीन काम आसानी से हो। अच्छा, ये मैं ये तरीका इख्तियार कर रहा हूँ, हो सकता है आप में से कोई इससे भी बेहतर तरीका इख्तियार करें, इससे अगर कोई बेहतर तरीका है आप प्लीज वो करें, कोई मसला नहीं। जी क्या हुआ यार? हेलो 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 यार, एलईडी बंद हो गई है। अच्छा यार, एक बंदा ना रजा को जरा इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि ये लकड़ी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई अगर इस तरह का सिचुएशन है ना, इस पार्क ओके आग वाग भी लग सकती है। एक्सटिंग्विशर तो बंदे चलाएंगे तो चलेगा ना? नहीं, ऑटोमेटिक है। किसी को नहीं पता है। बता दिए? अच्छा, कोई और भी है? तुम कहाँ पे? तुम कहाँ पे? अच्छा, अभी आया हूँ। अच्छा यार रजा, दो बातें, एक तो ना यहाँ पे बल्ब के पास स्पार्क हुआ, ये बल्ब बंद हो गया, तो मैंने कहा यार तुम्हें मैं इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा, मैं इस रो को सोच रहा हूँ बंद ही कर दूँ, क्या ख्याल है? प्रोजेक्टर तो मैं यूज ही नहीं कर रहा अभी, इससे पढ़ा रहा हूँ ना, जूम से ही डायरेक्ट स्क्रीन शेयर की हुई है। अच्छा, दूसरा ये बताओ मुझे कि आज की अटेंडेंस में कितने लोग हैं? यहाँ पे 35 शो हो रहे हैं मेरे पास जूम पे ऑनलाइन, जरा तुम देख के जैसे ही बता दो कि तुम्हारे पास कितने लोगों की अटेंडेंस आई है। 36। अच्छा, तुम नहीं हो? जस्ट तुम देख के ना मुझे बता दो, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे बस आराम से ना, कि कितनी अटेंडेंस है आज। असल में अटेंडेंस में वीकली देखता हूँ, अटेंडेंस बड़ी कम होती है ना, यहाँ ऑनलाइन बंदे ज्यादा होते हैं, वो 25-22 इस तरह अटेंडेंस, तो तुम लोग लेट आते होगे ना, जब भी तो नहीं लग रहा। खैर, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, छोड़ो पढ़ाई करो। अच्छा, तो ये हमने जनाब बना दिया मॉडल। अच्छा, जिनके पास नई स्क्रीन आ रही है वो पड़ोस वाले को देख लो ना, पड़ोस वाले की स्क्रीन में देख लो, और बेहतर ये कि कुछ ज्वाइन कर लो, नहीं हो रहा तो कुछ देख लो आगे पीछे। अच्छा, तो ये हमारा ना मॉडल तैयार हो गया, अभी मिनिमल जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए मॉडल ये तैयार हो गया। अच्छा, एक दफा मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि भाई ये इसी तरह से होता है या किसी और तरह से होता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, और आपके सामने जब मैं खोल के देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको भी पता होना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में मुझे डॉक्यूमेंट से देखना है जाके और कहाँ से देखना है। अच्छा, मैं गया स्कीमा में, स्कीमा के अंदर ये स्कीमा की सारी टाइप्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग है, नंबर है, डेट है, बफर है, ठीक है, इसी में एक एरे भी है, कि अगर एरे होगा तो कैसे स्कीमा बनेगा। एरे पे मैंने क्लिक किया, ये मुझे एरे वाले पोर्शन में लेके चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक तो ये है ट्वाइस, और ट्वाइस के अंदर एक सिंगल आइटम होगा, ठीक है। अच्छा, अब ट्वाइ के स्कीमा के अंदर अगर हम देखें ना, तो ट्वाइ स्कीमा कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये ट्वाइ स्कीमा ना ये यहां पे बना हुआ, ठीक है, इन्होंने अलग अलग बनाया, दो पोर्शन में बनाया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसको एक ही पोर्शन में भी बना सकते हैं। तो इतने पार्ट को उठा के जो है मैं क्या करूंगा, उस ट्वाइ स्कीमा की जगह पे ही रखूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो
तो ये इस तरह से, अब ये पहला तरीका है इसको बनाने का। इसी तरह नीचे मजीद तरीके भी लिखे हैं, ये देखो ये मजीद तरीके भी लिखे हैं यहाँ पे कि आप कैसे कैसे करके इसको बना सकते हैं। अरे अच्छा मैप में आ गया ना, ये बस ये दो तीन तरीके ही बताए यहाँ पे। अच्छा फिर मॉडल में मजीद इन्होंने बताया होगा, जहां पे मॉडल हो रहा है वहां पे भी एरे के साथ कोई ना कोई एग्जांपल कहीं ना कहीं होगी वहां पे। खैर तो हमने ये वेरीफाई करना था कि हमारा तरीका सही है, तो वो सही, ठीक है ये तरीका बिल्कुल सही है। अच्छा इसको मैं क्या कर सकता था, जैसा उसने डॉक्यूमेंट में बताया इतने को मैं कट करके, यहां से कट करके इसको मैं अलग भी बना सकता था इस जगह पे। कट क्यों नहीं हुआ, इसको मैं अलग से यहाँ पे भी बनाकर और उसका मैं नाम यहाँ बीच में लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या किया उसको अंदर ही एक ही जगह में क्रिएट कर दिया। अरे यार अभी तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है जनाब। अब हमें अगला काम ये करना है कि जो बंदा बोले ऑर्डर प्लेस करने के बारे में बात करें उसका ईमेल, अच्छा ईमेल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल हम रखें और ईमेल के साथ साथ हम क्या रखें उस कस्टमर का नाम भी ऐड कर लें, नाम भी हमने ऐड किया वो भी रख लें और आइटम उसके अंदर ऐड करते चले जाए। आते हैं जनाब नीचे हम प्लेस ऑर्डर वाली जगह को, अच्छा बकार तुम्हें मैंने कोर्स बना दिया यार, एक्सेप्ट करते रहो बस ना, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो गई है मुझे। अच्छा प्लेस ऑर्डर इंटेंट हैंडलर ये हमने बनाया हुआ था इंटेंट, इसको हम काम कर रहे थे, इस पे काम करते करते हमने होल्ड किया था कि भाई यूनिक आईडी कौन कौन सी अवेलेबल है। हमने तीन तरह की यूनिक आईडी देखी थी इसमें और वो तीनों हमारे लिए कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट थी, ठीक है। नंबर एक क्या था, डिवाइस आईडी, नंबर दो सेशन आईडी, नंबर थ्री यूजर आईडी। ये तीन यूनिक आइडेंटिफायर हमारे पास मिल रहे होते हैं, हर वक्त मिल रहे होते हैं, लेकिन हम इससे भी सोफिस्टिकेटेड चाह रहे थे चौथा, यानी कि ईमेल बंदे का, तो वो हमने गेट कर लिया। अच्छा तो हमने ये दो इंटेंट जो बनाए थे, डिवाइस आईडी हैंडलर और ईमेल हैंडलर, ये हमने टेस्ट के तौर पर बनाए थे, टेस्टिंग इंटेंट थे कि ईमेल कैसे गेट होती है, नाम कैसे गेट होता है और डिवाइस आईडी कैसे गेट होती है। अब हम वापस अपने प्लेस ऑर्डर को कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। अच्छा भाई हमने ये पूछ लिया कि डिश का नाम और क्वांटिटी ये हम पूछ चुके हैं उससे और यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट भी करवा चुके हैं। अच्छा अब हम ये कहते हैं कि अच्छा ये वाला जो इसमें ये काम हुआ वा कैसे है? अच्छा तो शुरू में मैंने सारी चीजों को, डिश के नाम को और क्वांटिटी को प्रिंट करवा दिया और प्रिंट करवाने के फौरन बाद मैंने क्या किया, ईमेल गेट कर लिया मैंने, सही है, ईमेल गेट करके ईमेल को भी मैंने प्रिंट करवा दिया और साथ में मैंने नाम भी प्रिंट, नाम भी गेट कर लिया। अच्छा अब मैंने इसको देखना शुरू किया इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके मेरे पास क्या मिल चुका है, मुझे ईमेल मिल चुका है, बंदे का नाम मिल चुका है। अच्छा इससे पहले भी मुझे लेकिन एक इफ लगाना है कि अगर बंदे ने डिश का नाम ना बोला हो तो क्या करें, तो वो मेरा ख्याल है इन सब से पहले होना चाहिए, वो यहां पे इस जगह पे होना चाहिए, ठीक है। इफ नॉट डिश नेम, अगर बंदे ने डिश का नाम नहीं बोला तो क्या करे बंदा, कुछ इसको बताए कि यार डिश का नाम प्लीज बोले आप, तो मैंने ये चीज उठा ली यहां से क्योंकि इस पॉइंट पे तो मेरे पास सब कुछ आ गया, मैंने डेटाबेस में राइट करना है, लेकिन जाहिर है। अच्छा अलेक्सा की ना पॉलिसी भी ऐसी है कि आप ये ईमेल हर दफा गेट नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है इसके अंदर। इन्होंने डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने सीक्रेटली गेट किया ना ईमेल तो आपकी हम स्किल को अलाउ नहीं करेंगे, और वो बाद में भी उनका एक स्केड्यूल होता है, वो वक्तन फवक्तन ना स्किल को चेक करते हैं, तो वो क्या कहते हैं आपकी स्किल को ब्लॉक कर देंगे। अच्छा कस्टम एंड पॉइंट पे हमें ये भी बेनिफिट होता है कि अगर तो लैम्डा फंक्शन में आपने किया ना ये काम, तब तो वो फौरी तौर पे ब्लॉक कर देंगे क्योंकि उस कोड को एनालाइज कर सकते हैं। कस्टम एंड पॉइंट पे अगर इस तरह की कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है तो वो डायरेक्टली ब्लॉक नहीं होता, वो रूटीन जब उनका एक चेकअप होता है
और जाहिर है इतनी सारी स्किल्स को रूटीन के तौर पर चेक करना इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने जाहिर है ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगाए हैं जो उसको वक्तन फवक्तन चेक करते हैं। तो लोगों को लगता है कि शायद अगर हम एंड पॉइंट कस्टम होगा ना तो वो कोड तो दिख नहीं रहा उनको, तो कुछ होगा नहीं। मगर उन्होंने अपने पास जाहिर है जो इस स्किल को जो जो टोकन इशू किए जा रहे हैं, क्योंकि हर रिक्वेस्ट पे टोकन अलग मिलता है अगर आपने नोट किया हो, जब एक रिक्वेस्ट से जैसे ही अगली रिक्वेस्ट करते हैं ना, सेम बात पूछी है मैंने कि शो मी माय ईमेल, अगली दफा टोकन अलग मिलता है और वो टोकन सिंगल यूजेबल होता है, सिंगल टाइम, एक दफा ही चल सकता है वो टोकन, एक दफा चलेगा दोबारा नहीं चलेगा, एक्सपायर हो गया। और जैसे ही अगली रिक्वेस्ट की ना आपने तो भी एक्सपायर हो जाता है। आपने कहा शो मी माय ईमेल, टोकन आ गया, आपने उसको यूज नहीं भी किया, आप जैसे ही अगला इंटेंट हिट करेंगे ना पुराना वाला एक्सपायर हो जाता है, तो वो वन टाइम यूजेबल है। तो वो उनको पता है कि इस बंदे को कौन सा टोकन इशू किया जा रहा है, अगर सेम टोकन ना उस टाइम ड्यूरेशन में हिट होता है तो उन्होंने उसको ट्रिगर को लिया हुआ, क्योंकि जो एपीआई कॉल हो रही वो भी तो उनके घर की है ना, कॉन्टेक्ट एपीआई, तो वो वहां से मैच कर लेते हैं कि अच्छा इसको इशू हुआ था, इसने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो आंसर था यूजर को बोला नहीं, यूजर को बताया नहीं कि हम तुम्हारा ईमेल गेट कर रहे हैं, और पीछे से गेट करके सेव कर लिया या कुछ भी किया, तो ये चीज वो अलाउ नहीं करते। तो कस्टम एंड पॉइंट पे ये बेनिफिट है कि थोड़ा देर में ये इशू आता है, लेकिन आते इसमें भी कहीं ना कहीं वो आपको बोल देते हैं कि भाई आप जो है ना वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है जनाब, क्वांटिटी और डिश नेम, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज ना हो तो हम कह रहे हैं कि यहीं से क्या करो, उसको रिटर्न भेजो, ये मैंने कॉपी कर लिया यहां से, रीप्रॉम्प्ट के साथ मैं कॉपी करना चाहूंगा, बट खैर रीप्रॉम्प्ट के साथ वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, रीप्रॉम्प्ट हाथ से लिख लेंगे हम। अच्छा स्पीक आउट इसका अलग से बना लेते हैं एक वेरिएबल में, या इसी में बना लेते हैं छोड़ो। प्लीज टेल मी डिश नेम और यू कैन आस्क फॉर द मेन्यू। ठीक है, अगर बंदे ने डिश का नाम नहीं बोला, बंदे ने कहा प्लेस ऑर्डर, तो हम उसको कहेंगे यार प्लीज मुझे डिश का नाम बता दें आप, और उसको बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है बंदा, तो या तो उसको कहेंगे यार मेन्यू पूछ लो। अच्छा असूलन इसमें होना ये चाहिए कि मैं इसको क्या दिखाऊं, वो पूरा मेन्यू यहाँ पे मैं इसको दिखाऊं इस पॉइंट पे, तो उसके लिए मैं कार्ड ऐड कर लेता हूँ, जो मैंने पिछला कार्ड था हमारा शो मेन्यू में, वो कार्ड उठा के उसको मैं दिखा देता हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, कार्ड का टेक्स्ट है ये हमारा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और साथ में मैंने क्या कॉपी कर लिया विद सिंपल कार्ड, इसको भी कॉपी कर लिया। ठीक है जी, यहां पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कार्ड भी लगा दिया मैंने कि अगर वो स्क्रीन वाली डिवाइस पे है तो उसको दिख जाए, अदरवाइज क्या हो मेन्यू के लिए वो अलग से पूछ भी सकता है। असल में यहाँ पे बोलने में मैं पूरा मेन्यू इसने नहीं लगा रहा कि वो बुक वाली थ्योरी आप याद करें, उसने कहा था कि भाई बात शॉर्ट होनी चाहिए, इतना टाइम नहीं है किसी के पास लंबी लंबी आपकी बातें सुनो। तो अगर बंदे ने कहा ना प्लेस ऑर्डर, तो इसका मतलब है मेन्यू देख कर आया पीछे, वो जब भी प्लेस ऑर्डर कह रहे हैं। अब आप प्लेस ऑर्डर में अगर उसने डिश का नाम नहीं बताया और आप पूरी लंबी कहानी लेके बैठ गए, तो बंदा उससे गुस्से भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा वो आपकी स्किल को चुप कराएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन होता है, अगर वो बोलती जा रही है अलेक्सा तो आप उसको कहेंगे ना अलेक्सा, तो वहां पर खामोश हो जाती है और फिर वो बात बोलता है बंदा, ये ऑप्शन तो है उसके पास, लेकिन मसला ये है कि हमें इस चीज को खुद से सेंस करना है, मैनर्स वाली बात है ये। तो मैनर्स यहाँ पे ये है कि बंदे ने स्किल लॉन्च की, हमने उसको कहा कि यार वेलकम टू रेस्टोरेंट, आप मेन्यू के लिए पूछें, मेन्यू के लिए पूछा मेन्यू, अब इस पॉइंट पे मेन्यू में पढ़ के बता रहा हूँ, जब मेन्यू पूछा है इसने मेन्यू पूरा पढ़ के बता रहा हूँ और डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। अब उसने कहा प्लेस ऑर्डर, अब प्लेस ऑर्डर में ना मैं उसको ये कहूंगा कि मुझे प्लीज डिश का नाम बताएं, मैं उसको पूरा मेन्यू पढ़ के नहीं बताऊंगा। हाँ अगर मेरे पास डिवाइस स्क्रीन वाली है तो मैंने कार्ड में वो मेन्यू पूरा दिखा दिया कि अगर दिख रहा है तो वो देख ले साथ साथ। तो एक कहीं ना कहीं हमें म्यानर अभी अख्तियार करनी पड़ती है, हम पूरी पूरी बात कह नहीं सकते। अच्छा हमारे लिए गाइड करना भी जरूरी है, और यही वजह है कि गाइड करने के लिए मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि भाई आप जो है ना, अच्छा ये मैंने नॉट ईमेल में लगा दिया भाई,
मैंने गलत जगह लगा दी है, ये मैंने यहां लगाना था ना। तो गाइड करने के लिए जो मैंने क्या कहा है कि यू कैन आस्क मेन्यू, ताकि कुछ हिंट तो उसको रहे ना कि अच्छा यार नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं। अच्छा डिश नेम मैंने उसको बता दिया, ठीक है जनाब। अब बंदे ने डिश का नाम एज्यूम कर रहा हूं मैं कि पूछ लिया। अच्छा क्वांटिटी के अंदर मैं उसको क्या कहता हूं कि बाय डिफॉल्ट वन सेलेक्ट करें, यही हमने लास्ट डिसाइड किया था। मैं चाहूं तो इससे पूछ भी सकता हूं, अगर इसने क्वांटिटी नहीं बताई है तो मैं चाहूं तो इससे पूछ भी सकता हूं। प्लेस ऑर्डर तो एक ही है ये रहा। नहीं देखो असल में पता है अलेक्सा का चक्कर नहीं है, अलेक्सा में या किसी में भी, ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस सवाल में ना मेरा एक दोस्त था माजिद अशरफ मानी, वो मेरा क्लास फेलो भी था, तो वो एक प्रोजेक्ट में वो मेरे साथ काम कर रहा था, मतलब किसी जगह पे इंटर्नशिप कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, उसको मेरे साथ लगा दिया। अच्छा अब हम बना रहे थे एक मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में होता है फ्रंट एंड अलग होता है बैक एंड अलग होता है। अच्छा हम बैक एंड लिख रहे थे, मतलब फ्रंट एंड कोई दूसरा लोग बना रहे थे, iOS की ऐप थी, आईफोन की एप्लीकेशन कोई दूसरा डेवलपर बना रहा था, हम दोनों बैक एंड पे काम कर रहे थे। अच्छा अब मैं उसको बोलूं कि यार इसमें वैलिडेशन लगाओ सर्वर पे, मैं उसको कह रहा हूँ कि यार वैलिडेशन लगाओ, वो मुझसे बहस कर रहा है कि भाई मोबाइल ऐप में तो ये वैल्यू जो आ रही है ना ड्रॉप डाउन से आ रही है। अब ड्रॉप डाउन में चार ही ऑप्शन है, चार के अलावा पांचवा इसमें आ कैसे सकता है, और वो रिक्वायर्ड भी है फ्रंट एंड में, उसके बगैर वो भेज भी नहीं सकता डेवलपर, मतलब डेवलपर ने रिक्वायर्ड किया हुआ है, वो टेस्ट होती है, वो गया अच्छा यार इसके बगैर तो नहीं कहीं फॉर्म सबमिट हो रहा, तो वो रिक्वायर्ड है। अब मुझसे वो कह रहा है कि यार इसके बगैर तो ये वैल्यू हो ही नहीं सकता ऐसा कि सर्वर पे ये वैल्यू ना आए, मैं कह रहा हूँ कि आ सकती है। अब वो कह रहा है यार कि क्या बकवास है, अब हम दो दो घंटे बैठ के इस पर हम बहस करते हैं। अच्छा तो बहरहाल मैंने जबरदस्ती उससे क्या किया, जितनी भी APIs लिखी हुई थी सब में वैलिडेशन लगवाई, जितनी भी APIs लिखी हुई थी। अच्छा फिर क्या हुआ, वो बहरहाल उस वक्त तो हमने मसला रिजॉल्व कर लिया, जो भी हमारे जो और डेजिग्नेशन में ऊपर था उसको मैंने लाया, मैंने कहा भाई वैलिडेशन लगाने के लिए कह रहा हूँ उसको, मैं सुन रहा नहीं है, उसने कहा लगा दो यार, तो उसने लगा दिया। अभी मुझसे वो मिला तकरीबन एक डेढ़ साल पहले, हम कहीं पिकनिक वगैरह पे गए हुए थे। अच्छा तो वो मुझसे कह रहा है यार इंतजाम भाई आपने जो मुझे बात बताई थी ना वैलिडेशन वाली, वो मेरे अब समझ आई है। अच्छा कैसे समझ आई, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो कोई सोने की ऐप बनाते हैं स्लीप वगैरह की कोई ऐप, इंजोमिया वगैरह से रिलेटेड। अच्छा वो कह रहा है उसका सर्वर इतना बड़ा है और वो सर्वर हिट होता है चार छह जगहों से, मोबाइल ऐप्स हैं दो, एंड्रॉइड iOS, फिर विंडोज की भी एप्लीकेशन है टैबलेट वगैरह पे चलने के लिए, फिर iPad की भी एप्लीकेशन है और भी पता नहीं कौन कौन सी है, वेयरेबल की भी है, सब सब जगह से हिट होता है वो सर्वर। अब सब जगह से ना अलग अलग वैल्यूज आती है, कुछ जगहों से कुछ और आती है, कुछ जगहों से कुछ और, तो कह रहा है उसमें तो वैलिडेशन अगर ना करें ना तो उसमें हो ही नहीं सकता काम। तो पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह की चीज लिखते हैं ना कोई, तो जरूरी नहीं है कि ये आपके अलेक्सा के डिवाइस से ही हिट हो, कल को आपकी रसबरी पाई के डिवाइस से भी ये हिट हो सकता है, क्योंकि रसबरी पाई में भी अलेक्सा बन सकती है अगर आपको पता हो। अच्छा तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है हमेशा कि जो वैलिडेशन आप फ्रंट एंड में कर रहे हैं वही सेम वैलिडेशन आपको बैक एंड में भी करनी होती है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आप ये ना करें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा सम टाइम अलेक्सा में ग्लिच होता है, ये आपने पता नहीं फील किया नहीं किया, मैंने कई दफा देखा है अलेक्सा में ग्लिच होता है, रिक्वायर्ड वैल्यू है ना वो एक दफा पूछेगा टेल मी डिश नेम, दूसरी दफा पूछेगा टेल मी डिश नेम, तीसरी दफा वो सर्वर पे भेज देगा और उसमें वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क, देखा है नोट किया ये वाला कभी, ये होता है ये कभी नोट करना, वो तीसरी दफा में क्या करेगा सर्वर पे भेजेगा। अच्छा सर्वर पे जब वो वैल्यू आएगी ना क्वेश्चन मार्क तो क्या होगा, कोड फट जाएगा आपका और क्या होगा, मतलब कोड फटने का मतलब है वो फॉल बैक में चला जाएगा वो। तो इस तरह के ग्लिचेस को मद्देनजर रखते हुए और जनरल प्रैक्टिस जो है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जनरल प्रैक्टिस है कि फ्रंट एंड पे भी सेम वैलिडेशन होगी और बैक एंड पे भी वही वैलिडेशन होगी, अदरवाइज आपका जो सर्वर है वो तो वल्नरेबल हो गया ना, क्योंकि ये तो रेस्ट API है,
इसको तो कहीं और से भी हिट किया जा सकता है, एक्सप्रेस का सर्वर ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, कहीं और से भी इसको हिट किया जा सकता है। तो कहीं और से जब इसको हिट किया जाएगा ना, तो उसमें अगर ये वैल्यू नहीं हुई तो कोड आपका ब्रेक भी होगा और एप्लीकेशन क्रैश होगी और कोई आपकी इस एपीआई से अब्यूज भी कर सकता है। वो रिक्वेस्ट मारता रहेगा और आपका डेटाबेस भरता रहेगा, कोई वैल्यू भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। तो अगर कहीं और से भी रिक्वेस्ट आ रही है ना, कोई अब्यूज भी कर रहा है, तो वो इस चीजों इन चीजों को भी ब्लॉक कर रहा होता है। वो तीन वैलिडेशन होगी ना कि ईमेल भी चाहिए, नेम भी चाहिए, डिश का नाम भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है एक वल्नरेबिलिटी भी आपकी कम होती चली जाती है किसी न किसी पॉइंट में। तो सर्वर पे हम इस वजह से वैलिडेशन करते हैं, जनरल प्रैक्टिस है, दोनों जगह पे करेंगे। अच्छा, तो ये हो गई बात, हमने डिश नेम पे लगा दिया। अब हम क्वांटिटी पे भी सेम चीज क्वांटिटी पे लगा देते हैं। रीप्रॉम्प्ट में भी ना यही लगा देता हूं, रीप्रॉम्प्ट में भी मैंने सेम बात लगा दी ना कि प्लीज टेल मी डिश नेम और यू कैन आस्क फॉर मेन्यू, और आवर मेन्यू उसको कार्ड में दिखता रहेगा। अच्छा, फिर क्वांटिटी पे मैंने कहा कि हाउ मैनी, और साथ में जो भी डिश का नाम बोला है बंदे ने, डिश नेम वुड यू लाइक टू ऑर्डर, ठीक है जी, हाउ मैनी डिश नेम वुड यू लाइक टू ऑर्डर, जो भी बंदे ने कहा हाउ मैनी गोला कबाब या हाउ मैनी बिरयानी या रीप्रॉम्प्ट में भी सेम बात लगा देते हैं, क्योंकि जाहिर है इसमें मैं रीप्रॉम्प्ट नहीं दूंगा तो वो क्या होगा, एग्जिट कर जाएगा, रीप्रॉम्प्ट देना जरूरी है। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि कार्ड की शायद अब जरूरत नहीं है, या बल्कि कार्ड की जरूरत है, कार्ड की जरूरत है। यहां पे मैं हाथ से लिख देता हूं ना हाउ मैनी, यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अब मैंने जो कार्ड लगाया प्लेसिंग ऑर्डर, मैंने उसकी हेडिंग लगा दी, कार्ड के ऊपर हेडिंग आ रही होगी प्लेसिंग ऑर्डर, और नीचे लिखा आ रहा होगा हाउ मैनी गोला कबाब, और क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा साथ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो स्क्रीन वाली डिवाइस है ना, उसको भी हम थोड़ा एंटरटेन रखें, वरना आपका आपकी स्किल को ना जब स्क्रीन वाली डिवाइस पे कोई चलाएगा तो उसको फीका फीका फील होगा कि यार कुछ आ क्यों नहीं रहा। आपने भी शुरू में नोट किया होगा जब मोबाइल पे आप कोई स्किल इन्वोक कर देते तो कुछ आता नहीं था स्क्रीन पे, वो होम पे ही रहता था, पीछे से आवाज आ रही होती थी तो थोड़ा अजीब फील होता था कि यार ये क्या है। तो इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्क्रीन वाली डिवाइस के लिए ना कुछ हम लगा दें छोटा मोटा ना, कि भाई ये स्क्रीन पे आ रहा होता है। उससे क्या होता है कि स्क्रीन वाली डिवाइस पे भी अगर कोई इस्तेमाल करे तो बंदा एंगेज रहता है थोड़ा। ठीक है भाई, हाउ मैनी लगा दिया हमने क्वांटिटी पे। अब अगर ये दोनों इफ बंदा क्रॉस कर चुका है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें मुझे मिल चुकी हैं। उसके बाद क्या होगा, ईमेल वगैरह गेट होगी। अब इस पॉइंट पे अगर बंदा पहुंचा है, अब यहां पे जाहिर है मैं रिटर्न तो नहीं लगाऊंगा, इसको मैं रोक देता हूं क्योंकि मुझे अब यहां पे डेटाबेस में डेटा फीड करना है। अब डेटा फीड करने के लिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा न्यू कार्ड, क्या हो गया, सही है, मैंने कहा लेट न्यू कार्ड इक्वल्स न्यू कार्ड, यही तरीका है MongoDB में इंसर्ट करने का डेटा। अच्छा, क्या किया मुझे कार्ड में डालना है, सबसे पहले डालनी है ईमेल, उसके बाद डालना है कस्टमर का नेम, सिर्फ नेम है इसका, उसके बाद मुझे डालना है क्या, डिश नेम। डिश नेम ऐसा तो नहीं डाल सकता, अब मैंने आइटम के नाम से एक एरे रखा हुआ है। ठीक है, आइटम के नाम से मैंने क्या रखा हुआ है, एक एरे रखा हुआ है। अब इस आइटम में मुझे पुश करना है। देखो, अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें गौर से समझने वाली हैं जो MongoDB रिलेटेड चीज है।
देखो MongoDB में क्या होगा, ये क्रिएट जो मैं कर रहा हूँ ना न्यू, ये जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर न्यू, ये नया कार्ड क्रिएट हो जाएगा आपका। अच्छा, नया कार्ड क्रिएट होने के बाद आइटम के अंदर अगर मैं ऐसे रख के पुश कर दूं ना यूं, आइटम के अंदर मैंने ऐसे रख के पुश कर दिया, क्या था इसके अंदर डिश नेम, मैंने कहा डिश नेम जो है वो डिश नेम ही होगी, सही है, डिश नेम है। ऊपर क्या था, ऊपर भी डिश नेम था और क्वांटिटी था, QTY नहीं, पूरा क्वांटिटी लिख दिया था हमने शायद, ये रहा पूरा क्वांटिटी है। अच्छा, और मैंने यहाँ पे कहा कि क्वांटिटी इक्वल्स टू QTY, जो मैंने यूजर से इनपुट लिया वो QTY। अच्छा, इन नामों का भी ख्याल रखना होता है, ये नाम कोशिश करना होता है कि एक जैसे हो। अभी जैसे मेरा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया ना, इस तरह हम इसको अवॉइड करें। जैसे कस्टमर नेम है और यहाँ पे नेम है, तो इन दोनों को कोशिश करते हैं हम सेम रखें किसी हद तक। अगर एक ही डेवलपर काम कर रहा है दोनों पे, तो हम कोशिश करते हैं हम इसको सेम रखें। लेकिन अगर थोड़ा अलग भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस समझने के अतबार से थोड़ी आसानी रहती है अगर नाम एक जैसे हों। और जावास्क्रिप्ट में एक बेनिफिट और है, जैसे कि ईमेल लिखा हुआ है ना, ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, तो इसकी जगह मैं जस्ट ईमेल लिख दूंगा ना तो भी चल जाएगा। ये भी एक ES6 का फीचर है, ES6 से पुराने वालों पे ये काम नहीं करेगा, लेकिन जाहिर है हम चूंकि लेटेस्ट वाला Node.js पढ़ रहे हैं, 14 भी अगर किसी के पास है तो उस पर भी ये चल जाता है, ठीक है, 16 जरूरी नहीं है, 14 पे भी होगा तो ये वाला चल जाता है। खैर, अभी हम जस्ट कंफ्यूजन से बचने के लिए उन चीजों को हम अवॉइड करते हैं फिलहाल। तो अगर मैं ऐसे करके उसको सेव कर दूंगा तो क्या होगा, होगा ये कि एक कार्ड क्रिएट हो जाएगा। अब एक और आया अगली दफा बनना प्लेस ऑर्डर, सही ना, अभी तो ऑर्डर कंप्लीट तो नहीं हुआ उसका, मतलब मैं सेव करने के बाद मैं कहूंगा भाई अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो आप बोलो चेकआउट, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा आपका, अदरवाइज आप मजीद चीजें ऐड, मैं ये बोल दूंगा उसको सेव कराने के बाद। जब वो अगली दफा आएगा तो न्यू कार्ड जब बनेगा ना तो डेटाबेस में एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डेटाबेस में एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ईमेल जब आ चुकी है तो मैं क्या करूं, उसी ईमेल पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊं, उसी में मैं आइटम ऐड करता जाऊं, एक बंदे का एक कार्ड होगा डेटाबेस में, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। इसमें तो वो काम हो ही नहीं सकता, इसमें तो न्यू हर दफा न्यू बनेगा। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि मैं बजाय न्यू क्रिएट करने के मैं अपडेट की क्वेरी लगाऊं, मैं अपडेट की क्वेरी लगाऊं, अपडेट की क्वेरी, इसको मैं रोक देता हूं, ठीक है, इससे तो मेरा मसला हल हो गई नहीं, इससे तो मामला बिगड़ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा फाइंड अपना कार्ड डॉट फाइंड एंड अपडेट, फाइंड एंड अपडेट, फाइंड वन एंड अपडेट, क्योंकि एक ही हो, मुझे पता है एक ही होगा, एक ईमेल से दो होंगे नहीं, मैंने बनाए नहीं है दो। अच्छा, फाइंड वन एंड अपडेट में पहला आइटम सबसे क्या डालता है, देखो इन्होंने खुद लिखा हुआ है फिल्टर, कि कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर आइटम को उठा के लाना है और फिर उसको अपडेट करना है। तो हमें, हमारे पास क्या है, ईमेल है बंदे की, क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट मैंने बताया, मैंने कहा ईमेल जो होगी ना उस बंदे की वो ईमेल के इक्वल होनी चाहिए जो हमारे पास है। अच्छा, सेकंड क्या है, सेकंड है इसके अंदर अपडेट क्या करना है, ठीक है, अपडेट वाला जो ऑब्जेक्ट है, अपडेट वाले ऑब्जेक्ट में आप याद रखें जो चीज मैं दूंगा वो अपडेट होगी, जो चीज नहीं दूंगा वो पहले एज इट इज रहेगी, उसको वो छेड़ेगा नहीं, जो चीज मैं दूंगा वही चीज अपडेट करेगा, उसके अलावा कुछ चीजों को वो छेड़ेगा नहीं। तो मैंने कहा कि भाई ये पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने, सही है, पूरा ऑब्जेक्ट मैंने ये दे दिया, सही है, यहां से ये ऑब्जेक्ट शुरू है और यहां पे खत्म है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है भाई, ऑप्शंस है, ऑप्शंस, कोई खास ऑप्शन नहीं देना मुझे। उसके बाद लास्ट में क्या है, ऑप्शन के बाद कॉल बैक है, ठीक है, कॉल बैक में क्या होता है, एरर पहले होता है कॉमा डेटा, या इस केस में अपडेटेड होगा, इसमें ना अपडेटेड का वो स्टेटस ला रहा होता है कि इस क्वेरी से कितने आइटम्स अफेक्ट हुए, यानी कितने डेटाबेस में जो रिकॉर्ड थे वो इस क्वेरी चलने की वजह से अफेक्ट हो गए, वो इसमें आ रहा होता है अपडेटेड के अंदर, ठीक है, इसमें अपडेटेड ऑब्जेक्ट नहीं आपको मिल रहा होगा, ऑब्जेक्ट भी मिल रहा होता है, मतलब काफी चीजें मिल रही होती हैं और भी काफी चीजें होती हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है भाई कि ये मैंने क्वेरी तो रन कर दी, अब
अब मैंने ये क्वेरी तो रन कर दी, मसला ये है ये तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शुरू में अगर हम एज्यूम करते हैं शुरू में ये क्वेरी लगी हुई है अगर, तो अगर वो ईमेल से फाइंड करेगा तो डेटाबेस तो खाली है, मिलेगा ही कुछ नहीं उसको। अच्छा जब मिलेगा नहीं तो अपडेट भी नहीं होगा, यहाँ पे अपडेटेड में आ जाएगा जीरो डॉक्यूमेंट अफेक्टेड और खत्म हो जाएगा। अब ये तो हम फंस गए। अच्छा अब इस नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ ना, देखो अगर तुम करते हैं न्यू क्रिएट कर रहे होते हैं अगर हमें, तो वो हर दफा न्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मसला हल नहीं हो रहा, मसला तो खराब हो रहा है। हमने देखा कि अपडेट से हमारा काम हो जाएगा, वो ईमेल से एक डॉक्यूमेंट उठा के लाएगा, उसी में वो नया आइटम पुश कर देगा, जो भी एरे में आइटम है ना एक और पुश कर देगा, ये आसान हो गया तरीका। लेकिन मसला ये कि पहली दफा में क्या होगा बताओ, बिल्कुल सही है, ऑब्वियस बात है। अब हमें करना क्या होगा कि हम पहले डेटाबेस से क्वेरी करें, ठीक है, अगर डेटाबेस में बिल्कुल ही आइटम मौजूद नहीं है तो हम क्रिएट कर दें न्यू, और अगर डेटाबेस में पहले से मौजूद है तो हम फाइंड वाला, फाइंड एंड अपडेट वाला काम कर दें, ठीक है, कंडीशनल अभी हो गया हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल सही है ये तरीका, समझ आ रहा है सबको। अच्छा ये काम लेकिन हो जाएगा थोड़ा लंबा, MongoDB जिन्होंने बनाई है उनको ये बात पता है कि इस तरह की सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो जितने भी सारे डेटाबेसेस होते हैं, तकरीबन सारे डेटाबेसेस में एक ऑप्शन होता है अपसर्ट, अपसर्ट के नाम से एक ऑप्शन होता है, वो अपडेट की क्वेरी में लगता है, अपडेट की क्वेरी में वो लग रहा होता है कि अगर वो आइटम मौजूद है, ठीक है, अगर वो आइटम पहले से मौजूद है तो उसको अपडेट कर दो, अगर मौजूद नहीं है बिल्कुल ही तो क्रिएट कर दो, तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम बजाय इतनी लंबी कंडीशन लगाने के, हम इसके ऑप्शन में आके क्या करेंगे, हम कहेंगे अपसर्ट इक्वल्स ट्रू। ये वो जो ये हमने सोचा था ना कि गेट करो अगर हो तो ये कर दो, नहीं हो तो ये कर दो, वो बैकग्राउंड में ये खुद कर देगा, ट्रू जाएगा। और बोलो, नहीं नहीं क्या मतलब फ्रंट एंड में, नहीं फ्रंट एंड पे तो MongoDB कनेक्ट भी नहीं हो सकता ना, ये भी तो बात है, हो जाता है कनेक्ट किया, जहां पे MongoDB चल रहा है ये वहां पे होगा, क्योंकि फ्रंट एंड पे MongoDB चल ही नहीं सकता। नहीं असल में वो देखो जुगाड़ से लगा तो सकते हैं, बात को समझो और से समझो, देखो HTML का पेज बनाया, JavaScript उसमें भी है, तो Mongo's तो JavaScript की लाइब्रेरी है ना, उसमें चला सकते हैं उसको, लेकिन उसमें चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि भाई वो तो कोड कोई भी राइट क्लिक करेगा व्यू सोर्स में जाके कोड देख लेगा, आपका उसमें पासवर्ड भी होगा डेटाबेस का, फिर वो कॉपी करेगा उस URL को, जाके Robo3D में क्लिक करेगा, सारा डेटा आपका सामने आ गया। ये रीजन है इसलिए हम फ्रंट एंड पे नहीं लगाते, वरना लग तो सकती है, कोई मसला थोड़ी है, ठीक है। Robo3D या कोई भी ऐसा क्लाइंट हो जो MongoDB कंपास हो, कोई भी ऐसा क्लाइंट हो, वो आप राइट क्लिक करेगा आपका कोड सामने आ जाएगा mongo.connect वाला, वो उस URL को कॉपी करेगा, क्योंकि उसमें एनवायरमेंट वेरिएबल भी नहीं होते फ्रंट एंड पे, तो एनवायरमेंट वेरिएबल तो नहीं होते ना, सब ओपन होता है फ्रंट एंड पे, वो उसको कॉपी करेगा किसी भी क्लाइंट पे ले जाके पेस्ट मारेगा, पूरा डेटाबेस आपका सामने, ठीक है ना। या फिर उसको अपनी स्क्रिप्ट लिखेगा छोटी सी वो, और स्क्रिप्ट लिख के कहेगा गेट ऑल, तो वो सारे कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर के सारे रिकॉर्ड वो सब उसके पास आ जाएंगे, तो आपका डेटाबेस तो फिर हैक कर लिया, ऑफ कोर्स हैक कर लिया, सही कह दो, क्योंकि राइट एक्सेस भी तो होगा ना, जब ही तो वो काम करेगा, सिर्फ रीड एक्सेस पर तो काम ही नहीं करेगा वो, राइट एक्सेस होगा तो अपडेट वगैरह ये चीजें लग रही होंगी ना। तो इस वजह से डेटाबेस कभी भी फ्रंट एंड से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते। अच्छा एक बंदे हैं मार्केट में घूम रहे, वो बंदा आते फिर रहे, वो है जैमस्टैक वाले। जैमस्टैक वाले बंदे बोलते हैं कि भाई बीच में सर्वर क्या कर रहा है, सही है, वो कहते हैं बीच में ये सर्वर क्या कर रहा है, फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड से डायरेक्ट डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है, कह रहे हैं फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड से डायरेक्ट जो भी API कॉल करनी है ना फ्रंट एंड से डायरेक्ट करो। हमने क्या किया था,
वेदर एपीआई का जो एपीआई है वो डायरेक्ट फ्रंट एंड से भी कॉल की हमने और सर्वर से भी कॉल की है, दोनों जगह से कॉल की हमने, हो जाती है दोनों जगह से कॉल। उन्होंने कहा भाई सर्वर पे क्यों हो रही है कॉल, ये डायरेक्ट फ्रंट एंड से होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट फ्रंट एंड से होने के लिए बहुत सारे इसके दूसरे लवाजमात हैं। मिसाल के तौर पर जैसे फायरबेस एक डेटाबेस है, इसी तरह कई दूसरे डेटाबेस हैं जो डायरेक्ट फ्रंट एंड से कनेक्ट होते हैं। उसके लिए फिर सिक्योरिटी के रूल्स लिखने पड़ते हैं। तो उसके मतलब अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, ये फीजिबिलिटी उसकी देखता हूँ मैं, तो फीजिबिलिटी में मैंने ये पाया है कि जितनी देर में मैं उसके सिक्योरिटी के रूल्स लिखूंगा ना, उतनी देर में पूरा सर्वर खड़ा कर दूंगा और वो सर्वर मल्टीपल जगहों से हिट हो सकता है। एक तो फ्रंट एंड लिखा ना मैंने, तो वो फ्रंट एंड एक ही है, लेकिन अगर एक बार मैंने सर्वर लिख दिया तो वो मोबाइल ऐप से भी वही चलेगा, फ्रंट एंड से भी वही हिट होगा, मुख्तलिफ जगहों से सेम सर्वर हिट हो रहा होगा, वंस रिटन और यूज सब जगह होगा। तो मेरे ख्याल में जैमस्टैक वाले जो बात करते हैं वो शायद बहुत आगे की बात कर रहे हैं, पता नहीं, मे बी, या बहुत बेवकूफी की बात कर रहे हैं मे बी। मतलब एक मार्केट में एक बहस है, लोगों के दो ग्रुप्स बने हुए हैं। एक कहते हैं नहीं यार जैमस्टैक जो बात कर रहा है ना उससे काम बहुत फास्ट हो जाता है, नो डाउट होता होगा काम फास्ट, लेकिन लॉन्ग रन में वो क्या देता है, प्रॉब्लम्स देता है बहुत सारी। लॉन्ग रन में आप जितना टाइम आपने बचाया होता है उसका डबल टाइम आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार आपने इस तरह का कोई डेटाबेस इस्तेमाल कर लिया जो फ्रंट एंड से डायरेक्ट लगता है तो उसको रीस्ट्रक्चर करना आसान नहीं है ना। और फिर बाद में रिपोर्टें भी आई है कि इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स आई हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है वो कहीं ना कहीं लैग करती है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर आपको किसी से फॉर्म सबमिट करना है तो वो कोई लाइब्रेरी है उनकी, वो कहते हैं फ्रंट एंड पर डायरेक्ट लगा दो, इसका डेटा जाता है गिटहब में। अब कल को गिटहब ने अगर पब्लिक रिपोजिटरीज बंद कर दी तो आपका ये मसला खड़ा हो गया, अब करते रहो या तो पेड रिपोजिटरी लोन किया, और जैमस्टैक में 90% चीजें पेड है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्लासिक वे है ये वाला कि सर्वर पे चीजें हो, ये क्लासिक वे है। अभी तक जो जिसको क्या कहते हैं राइज है जो चीज वो ये, बाकी फ्यूचरिस्टिक बातें तो बहुत हजारों लोग कर रहे हैं, हजारों तरह की फ्यूचरिस्टिक चीजें आई भी और गई भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकल भी हो। तो दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल दीज डेज, अगर आपको कोई प्रैक्टिकल कोई सीरियस काम करना है तो इस पे करेंगे आप, अगर आपको कोई खेल तमाशा स्टार्टअप वगैरह करना है कि वो जैमस्टैक पे आप करें किसी पे भी करें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्लासिक अप्रोच है जो अभी इस वक्त प्रैक्टिकल चीज है वो मर्नस्टैक है। मर्नस्टैक का मतलब वो चार उसमें जो चीजें आती हैं तो वो उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं जो पूरा आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है। और फिर आर्किटेक्चर लेवल पे हम बात करें तो माइक्रो सर्विस उस पर अभी है जो जिस पर दुनिया चल रही है सारी, लोगों का इत्तेफाक है कि माइक्रो सर्विस पे अगर आप बड़ी ऐप भी बनाएंगे तो फंसेंगे नहीं कहीं, आप चल जाएंगे उसके ऊपर, अदरवाइज अप्रोच बहुत सारी है। तो हमने इस पर क्या कर दिया, अपसर्ट लगा दिया, हमने कहा भाई ईमेल से ढूंढो, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो क्रिएट करो। अच्छा, अब इसके अंदर मैं जो ये लगा रहा हूं ना आइटम और ये डिश का नाम, इससे होगा क्या कि अगर वो एक डिश उसने ऐड की, एक डिश ऐड हो गई, अब जैसे ही वो अगली ऐड करेगा ना, ये पूरा आइटम है ना इतना बड़ा, यही है ना पूरा आइटम, इतना बड़ा आइटम वो रिप्लेस कर देगा। जाहिर है भाई अपडेट में मैं कह रहा हूं पुराना हटाओ ये रख दो, तो ये क्या होगा, पुरानी डिश तो गई। तो अब हमें कोई ऐसा तरीका देखना है कि आइटम्स, असल आइटम्स है ये, एस बी मिस किया हुआ था मैंने, आइटम्स जो है ये मेरा एरे है, इसके अंदर मैं पुश करा सकूं। तो इसके लिए मोंगो डीबी में एक अप्रोच दी गई है कि भाई जी पुश, डॉलर पुश, ठीक है, सेट से क्या होता है कि वो पुराने वाले को रिप्लेस कर रहा होता है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि इस पूरे को मैंने कट किया, आइटम्स, आइटम्स के आगे एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कहा डॉलर पुश, ठीक है, इक्वल्स टू, अब पुश क्या करना है वो बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है, उस पर मैंने ये पूरा ऑब्जेक्ट पेस्ट कर दिया कि भाई ये आइटम पुश करना है। मैंने कहा आइटम्स में क्या करना है, पुश करना है ये ऑब्जेक्ट, जो भी पहले से है या नहीं है कुछ भी है, ये आइटम उसमें पुश करना है, सही है बिल्कुल, रहेगा पहले वाला, इस केस में रहेगा, नहीं तो जब चेकआउट करेगा तो उसको बताएंगे ना कि ये आपके कार्ट में मौजूद है, नहीं बताएंगे। दोबारा से बता रहा हूँ, देखो पहली दफा यूजर आया, डेटाबेस बिल्कुल खाली है,
ईमेल से सर्च मारा, उसमें फाइंड वन एंड अपडेट है, अपसर्ट भी लगा हुआ है उसमें, फाइंड मारा नहीं मिला। अब क्या करेगा वो, क्रिएट कर देगा। क्रिएट क्या करेगा, इतना आइटम क्रिएट करेगा ये, ठीक है। अब इतना आइटम जो क्रिएट करेगा, इसमें क्या होगा, ईमेल होगा, कस्टमर का नाम होगा, कुछ भी नहीं था, सब क्रिएट हो जाएगा। आइटम्स होगा, आइटम्स के अंदर एक आइटम पुश कर देगा, क्योंकि पहले से था ही नहीं ना कुछ, आइटम्स बनाएगा, एक आइटम पुश कर देगा, और वो पुश करने में क्या होगा, डिश नेम जो भी बंदे ने अभी बोला है, क्वांटिटी जो भी अभी बोला है वो लगा देगा उसमें। अब एक आइटम आपके डेटाबेस में क्रिएट हो गया, एक कार्ड क्रिएट हो गया आपके डेटाबेस में। अगला आइटम बंदे ने ऐड करा, अब बंदे ने कहा भाई हलवा पूरी भी मुझे दो। अब यहाँ पे दोबारा आएगा ये, अब ये फाइंड करेगा, इसको मिल जाएगा क्योंकि डेटाबेस में बन चुका है कार्ड, अब इसको मिल जाएगा ये। मिलने के बाद क्या होगा कि इतना जो आइटम है ना, अब ये उसमें अपडेट पे लगेगा। अपडेट में मैंने क्या बताया था कि जो चीज आप देते हैं उसी को अपडेट करता है, बाकी चीजों को ये छेड़ता नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या दिया, ईमेल, ईमेल पहले भी वही है, दोबारा भी वही रहेगी। असल में होना तो ये चाहिए था, मैं ईमेल नहीं लिखता क्योंकि मुझे वो अपडेट नहीं करनी, लेकिन चूंकि अपसर्ट किया हुआ है मैंने, तो पहली दफा में तो ईमेल डालनी पड़ेगी ना मुझे, तो इसलिए मैंने ईमेल लिखा हुआ। ईमेल अभी भी वही है, इससे पहले भी वही थी, तो अपडेट हो जाएगी लेकिन चेंज नहीं होगा कुछ, सेम रहेगा। उसके बाद कस्टमर का नाम है, वो भी दूंगा मैं, वो भी अपडेट हो जाएगा, पहले भी वही नाम था, अभी भी वही नाम रहेगा लेकिन अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आइटम्स में जब ये आएगा, तो आइटम्स में ये देखेगा डॉलर पुश, तो आइटम्स तो पहले से बना हुआ था, डॉलर पुश उसमें जो भी होगा ना, वो एक आइटम पुश कर देगा, पहले वाले आइटम को छेड़ेगा नहीं, एक आइटम पुश कर देगा उसमें, दूसरा आइटम ऐड हो गया। अच्छा, फिर तीसरी बार आएगा तो एक और आइटम पुश कर देगा, ठीक है। चौथी बार कोई दूसरा यूजर आ गया, तो उसके केस में खान उसके नाम से कार्ड नहीं बना होगी, तो वो क्रिएट कर देगा उसके नाम से कार्ड। तो जितने यूजर आते जाएंगे ना मेरे सिस्टम में, उतने कार्ड मेरे डेटाबेस में बनते चले जाएंगे, ठीक है। और वो मैं कार्ड को डिलीट नहीं करूंगा कभी भी, अब कार्ड को मैं सिर्फ एम्प्टी करूंगा, डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने डिलीट कर दिया तो अपसर्ट में एक साइकिल एक्स्ट्रा चलता है, ठीक है ना। अपसर्ट में क्या होता है, एक साइकिल एक्स्ट्रा चलता है, तो मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा। मोंगोडीबी बहुत ही लाइट वेट डेटाबेस है, अगर मेरे पास 2-4 लाख अगर इस तरह के कार्ड बन के पड़े हुए भी हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। चंद के भी लेकर आओगे वो, अगर मतलब 20 लाख डॉक्यूमेंट का अगर आप एवरेज निकालें कि भाई ये मेरा स्कीमा है और इस स्कीमा के 20 लाख डॉक्यूमेंट अगर होंगे तो वो कितने के होंगे, तो मेरा एक अंदाजा है इसके हिसाब से मुश्किल से कुछ के भी होगा, 5 KB या 6 KB बनेगा, तो नॉट अ बिग डील। 500 MB का फ्री डेटाबेस हमें MongoDB दे रहा होता है, तो अगर 5 KB 10 KB का एक्स्ट्रा कुछ लगा हुआ है, पड़ा हुआ भी है वो, तो हमें कोई मसला नहीं है उससे, ठीक है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि रिकर्सिवली ऐड होती जा रही है, ऐसी कोई चीज नहीं है, वो बनेगा जब भी वो रिटर्न होगा कस्टमर, तो वो उसको इस्तेमाल करेगा, तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि बनती चली जा रही है और उसका एंड नहीं है। जी नहीं, जब ऑर्डर कंप्लीट होगा तो मैं खाली करवा दूंगा ना, अभी वो देखते हैं ना कैसे है। अभी ऑर्डर कंप्लीट होगा तो वहां पे मैं जाहिर है जब अपडेट मैं कर रहा हूँ इसको, तो मैं अपडेट करते हुए अगर इस आइटम्स को मैं कहूँ ये करूंगा तो हो गया ना खाली, नहीं वो यही करूंगा मैं, अभी नहीं कर रहा, लेकिन जब ऑर्डर कंप्लीट होगा तो मैं सारे ऑर्डर को उठा के डालूंगा मेन मॉडल में, जो किचन में जाने वाला आइटम है, मतलब एक और बनेगा ना मेरे पास, अभी कार्ड बना है अभी, तो एक मेरे पास बनेगा ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर पुश करूंगा मैं पूरे आइटम को उठा के, एज इट इज उसमें डंप करूंगा मैं, और क्या करूंगा यहां से मैं कार्ड को खाली करवा दूंगा, हो जाएगा आसान। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जो अंदर से रिप्लाई हो रहा था ना, उसको मैं यहां से रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अपडेटेड मेरा जब ट्रू होगा, मैंने कहा इफ नॉट एरर, ठीक है जी, तो ये वाली बात कह दो, ठीक है। और एल्स में अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, अरे क्यों नहीं आ रहा, कैपिटल ई से एरर थ्रो कर सकते हैं। अच्छा, पॉइंट मेरा बताना ये चाह रहा था मैं कि आप जाहिर है अब इतने सारे इफ लगे हैं, हर इफ अगर ट्रू होगा जब ही चलना चाहिए, किसी एक इफ में भी अगर फॉल्स हो गया तो आपको क्या करना है, एरर का एक कोड लिखना है। तो आपके पास उसके दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि आप कुछ भी ना करें,
अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फॉल बैक इंटेंट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा दूसरा तरीका ये है कि आप एरर थ्रो करवाते हैं। जावास्क्रिप्ट में आप अलग से पढ़ सकते हैं कि एरर थ्रो कैसे करवाते हैं, थ्रो न्यू एरर करके ऐसे होता है। ठीक है, एरर ऐसे करके और उसके अंदर आप मैसेज लिख देते हैं कि भाई क्या हुआ है, ऐसे करके ना। ये एक्चुअल कोड ये भूल गया था मैं, अभी याद आ गया। तो ऐसे करके आप एरर थ्रो भी कर सकते हैं। तो जब ये आप एरर थ्रो करेंगे ना तो फॉल बैक इंटेंट में, ये उस सूरत में भी फॉल बैक इंटेंट में ही जाएगा। लेकिन फॉल बैक इंटेंट में क्या होगा, आपको वो पैरामीटर में ना वो चीज मिल रही होगी कि भाई ये हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह प्रॉपरली हैंडल भी कर सकते हैं। नंबर तीन काम ये है कि आप अलहदा से एक फंक्शन बना सकते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से एरर को हैंडल कर लें कि भाई एक मैसेज के साथ उस फंक्शन को आप कॉल करें और अंदर जाके आप उसी को थ्रो कर दें कि भाई ये हो गया मसला। ठीक है, बट हर जगह अलग 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 रिस्पॉन्स करना ये काफी मुश्किल काम है, तो ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा मैं। तीन तरीके बताए मैंने। नंबर एक, कुछ भी ना करें आप, वो डायरेक्ट फॉल बैक में जाएगा, वो कहेगा समथिंग रॉन्ग, मुझे नहीं पता क्या रॉन्ग। नंबर टू, एरर थ्रो करेंगे तो फॉल बैक इंटेंट में वो पूरा टेक्स्ट आपको मिलेगा जो ये मैंने लिखा है, वो टेक्स्ट आप बता दें बजाय इसके कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, उसका वो मैसेज बता दें कि भाई ये हो गया मसला। नंबर थ्री, आप अलग से फंक्शन बना लें जिसमें आप क्या करेंगे, एक पैरामीटर के साथ कॉल करें कि भाई क्या हुआ है, और अंदर आप जो कार्ड वार्ड सब प्रॉपर बना के भेजेंगे भाई ये मसला हो गया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या अप्रोच इख्तियार कर रहा हूँ कि मैं यहीं से रिटर्न करवा देता हूँ इसको। क्या रिटर्न करवा देता हूँ, ये वाली बात। ठीक है, सिंपल सा, समथिंग वेंट रॉन्ग इन डीबी ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे आमतौर पे हम बताते नहीं है यूजर को कि एक्चुअल में पीछे क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन जस्ट अभी क्योंकि हम लर्निंग कर रहे हैं इस वजह से मैंने लिख दिया कि डीबी ऑपरेशन फेल हो गया। आमतौर पे हम यूजर को ये बताते हैं कि भाई सर्वर पे कुछ इशू हो गया, ये नहीं एग्जैक्टली बताते कि क्या इशू हुआ, क्योंकि इसको वल्नरेबल समझा जाता है। बंदे को पता चल जाएगा, अच्छा यार मैं इस तरह से करता हूँ ना तो उनका डेटाबेस क्रैश होता है, पता चल गया उसको, अब वो करेगा बार बार। ठीक है ना, तो इस वजह से इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम एग्जैक्टली ये नहीं बताते यूजर को कि पीछे हुआ क्या है, हम बस ये बता देते हैं कि सर्वर पे कुछ खराब हो गया, आप थोड़ी देर में ट्राई कर लो। ठीक है, ऑफलाइन हुआ है, क्रैश हुआ है, डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा, ये सब नहीं बताते हम। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने इसलिए लिखा है कि हम लर्निंग फेज में अभी, ताकि बाद में आप इस कोड को जब देखें तो आपको पता चले कि अच्छा इस वजह से एरर आ रहा है। अच्छा, अगर कोई एरर नहीं आया है तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई डियर और साथ में नाम बंदे का, बल्कि मेरा ख्याल है नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि नाम लिख देते हैं क्योंकि हमने ईमेल गेट भी तो किया ना, तो नाम लिख के भेजना पड़ेगा, अदरवाइज वो अलेक्सा वाले कहेंगे कि नाम गेट कर लिया, बंदे को बताया नहीं, अप्रूव नहीं होगी आपकी। अप्रूव तो ये खैर वैसे भी नहीं होगी क्योंकि इसमें गूगल जो अभी इसने सबमिट किया था तो उन्होंने रिटर्न लिख के भेजा कि आप ये जो ऐप बना रहे हैं ना इसमें पेमेंट कैसे ले रहे हैं आप, तो पेमेंट आप अमेजोन पे आपको लाजमी सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे हैं अमेजोन पे, बाकी ये वो छोटा सा डॉक्यूमेंट है उसका वो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ चूंकि सपोर्टेड भी नहीं है अमेजोन पे वगैरह, ठीक है, तो आपको बहरहाल वो अलग से आप देख सकते हैं कि अमेजोन पे का अकाउंट कैसे सेटअप होता है। सेम यूट्यूब का जैसे होता है ना, सेम उसी तरह कि आप एक अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे, उसको आप कनेक्ट करते हैं किसी पेमेंट सिस्टम से और आप कहते हैं अच्छा ये मेरा गूगल पे है, वहां से टोकन मिल जाता है, टोकन आप यहाँ पे लगा देते हैं कि भाई जब भी बंदा पे करे ना तो मेरा ये अकाउंट है अमेजोन का, इसमें पेमेंट जानी चाहिए। तो इस तरह करके एक छोटा सा प्रोसेस है, वो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो हम इस कोर्स में यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने लिख के भेज दिया था कि भाई फूड ऑर्डर हो रहा है आपका, तो पेमेंट कहाँ से ले रहे हो आप। तो वर्क अराउंड इसका हो सकता है, हम अंदर ऑप्शन दे देंगे भाई आप कैसे पैसे देना चाहेंगे, तो कैश ऑन डिलीवरी, We only have cash on delivery. तो maybe वो approve कर दें। तो छोटी सी ये बात थी मेरे ज़हन में आ गई, मैंने क्या बता दूँ। अच्छा, अच्छा भाई, तो अब ये क्या कहेगा कि डियर इंजमाम, गोला कबाब, डिश नेम इज एडेड इन योर कार्ड। सही, हाँ क्वांटिटी भी लिखनी चाहिए हमें, सही है। टू गोला कबाब या थ्री गोला कबाब जो भी उसने बोला है, इज एडेड टू योर कार्ड, प्लीज से चेक आउट
इसको मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ लाइन को यहाँ पे. मैंने कहा प्लीज से चेक आउट व्हेन यू आर डन. अच्छा व्हेन यू आर डन वैसे ना थोड़ा सही जुमला नहीं है, कोई बेहतर जुमला बताओ. प्लीज से चेक आउट टू कंप्लीट योर ऑर्डर. प्लीज से चेक आउट टू कंप्लीट योर ऑर्डर. सही है. अच्छा फील फ्री टू एड मोर डिशेस. ठीक है जी. मैंने उसको कहा कि फील फ्री टू एड मोर डिशेस और से चेक आउट टू कंप्लीट योर ऑर्डर. शॉर्ट और सारी बात भी कन्वे हो गई कि अब एक डिश ऐड हो गई है, अब इसके बाद मजीद क्या ऑप्शन है. मजीद इसके पास ऑप्शन ये है कि ये दूसरी डिश ऐड करे या चेक आउट बोले और हम इसका ऑर्डर कंप्लीट करवा दें. अच्छा अब इतने पॉइंट पे आके हम इसको चला लेते हैं और चला के हम देखते हैं कि जनाब ये सही से प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा. क्या हुआ है. अच्छा सी डी मुझे करना पड़ेगा ना. किस में करना पड़ेगा. 03 अलेक्सा सी डी 04 कस्टम एंड्रॉइड मंगोडीबी. अब चलेगा npm run dev. ठीक है जी. साथ में मैं क्या कर देता हूँ. मैंने कहा ngrok स्पेस http 3000 एंटर. इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया. अब मैं जाऊंगा कहां पे. Alexa skill kit. Console. Malik restaurant. उसके बाद मैं जाऊंगा एंड पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे जाके ये मैं हमारा नया वाला जो URL है वो पेस्ट कर दूंगा यहाँ. उसके बाद सेव एंड पॉइंट किया मैंने. सेव एंड पॉइंट करने के बाद सेव मॉडल ताकि मेरा मॉडल सेव हो जाए और बिल्ड मॉडल. अच्छा इसके साथ साथ ही मैं जरा एक नजर मार लेता हूँ हमारे इंट्रैक्शन मॉडल पे जो प्लेस ऑर्डर का है कि इसमें डिश और क्वान्टिटी हमने दोनों गेट की हुई है. सही है ना. जैसे ही ये बिल्ड कंप्लीट होगा हमारा जो स्किल है वो चलने के लिए तैयार हो चुकी होगी. अच्छा साथ साथ मैं क्या करता हूँ रोबो 3D भी ओपन कर लेता हूँ ताकि डेटाबेस में जो भी डेटा जा रहा है मैं उसको हाथ के हाथ देख भी सकूं. भाई खुल जाए यार क्या हो गया. अच्छा जी कलेक्शंस में हम आ जाते हैं और कलेक्शन में हमारे पास कार्ड के नाम से ना एक आ चुका है. अभी ऑफ कोर्स खाली होगा
कार्ड जो है हमारा, ठीक है अभी ये जीरो रिकॉर्ड्स हैं, अभी ये खाली है। अच्छा इतने में हमारी बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ओपन मलिक रेस्टोरेंट, Welcome to Kebabjee's. I am your virtual assistant. You can ask for the menu. ठीक है, मैंने कहा शो मेन्यू। ये पहला कार्ड आया था वेलकम पे हमारा, अब मेन्यू शो करेंगे तो ये मेन्यू का कार्ड आएगा। In the menu, we have beef kebab, mutton kebab, chicken reshmi kebab, gola kebab and Sikh kebab. Which one would you like to order? अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं एक तो कह सकता हूँ प्लेस ऑर्डर, तो इंटेंट हिट होगा और वो एक एक करके पूछेगा फिर मुझसे, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि गिव मी बीफ कबाब, तो उससे भी वही सेम इंटेंट हिट होगा और एक स्लॉट भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ उसको कि गिव मी थ्री बीफ कबाब, There was a problem with the requested skills response. मैंने इसको कहा कि give me three beef kebab. अब यहाँ पे इसने कहा कि error हो गया कुछ. लेकिन क्या error हुआ ये नहीं बताया इसने. नहीं नहीं नंबर भी जाना चाहिए इसमें. अच्छा ये टोकन इतना लंबा सारा प्रिंट हो रहा है ना, इसको मैं जरा रोक देता हूँ. इसकी वजह से पता नहीं चला मुझे कि वो एक्चुअल हुआ क्या. जो टोकन इतना लंबा प्रिंट हो रहा है ना, असल में मुझे लग रहा है कि ये जो यूआरएल है ना हमारा, अच्छा हमारे पास डिश नेम भी आ गया बीफ कबाब और क्वांटिटी भी आ गई है थ्री, ये दोनों चीजें तो हमारे पास आ चुकी हैं अगर आप कंसोल में देखेंगे, ठीक है तो ये दोनों इफ तो ये क्रॉस कर गया है, ठीक है अब पॉइंट हमारा है ये ट्राई वाले केस में आया है कोई एरर। अच्छा एपीआई एक्सेस टोकन यहाँ पे प्रिंट हो गया और एपीआई एक्सेस टोकन के बाद ईमेल भी मेरी मिल चुकी है, उसको ईमेल भी मिल गई है। अच्छा अब प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, प्रॉब्लम आई है यहाँ पे कार्ड डॉट फाइंड वन में मे बी, अब मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर ही एरर आया है क्योंकि ये तो सारे क्रॉस कर चुका है, क्योंकि ईमेल तक मेरे पास प्रिंट हो चुका है, इसका मतलब है कि उसके बाद क्या कोड बाकी रह गया, यही कोड रह गया आखिर में कुल मिला गया है ना। इसमें क्या ऐसा किया हमने यार, कुछ हमने ऐसा किया है इसमें जो गड़बड़ लग रही हो किसी को, सेव नहीं है ये तो फाइंड वन डॉट अपडेट है, नहीं सेव तो लगेगा ही नहीं ना इसमें, फाइंड वन एंड अपडेट है। इसमें मैं ये करता हूँ कि ओके गॉट इट, ये समझ में आ गया क्या इशू है, ये इशू ये है कि ये लैम्डा फंक्शन है ना, इसके अंदर ये कॉल बैक वाली चीज काम नहीं करती, ये मैंने पहले भी आपको बताया था और मेरे जहन से निकल गया था, ये कॉल बैक वाली चीज ना इसमें काम नहीं करती, ये प्लीज आप सारे जहन में उठा दें, ये मैं भी जहन से निकल जाता है मेरे, इसको हमें जरूरी है कि इसको एसिंक अवेट से मैं करूँ, प्रॉमिस वाले तरीके से करूँ और एसिंक अवेट से करूँ। अच्छा तो मैं देख लेता हूँ कि ये फाइंड वन एंड अपडेट मुझे रिटर्न क्या देता है, मुझे रिटर्न में क्या ये प्रॉमिस देता है, गूगल कर लेते हैं कि फाइंड वन एंड अपडेट प्रॉमिस, वैसे मुझे डॉक्यूमेंट से देखना चाहिए कि फाइंड वन एंड अपडेट में क्या क्या ओवर वो है, बट अभी टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी से गूगल से देख लूं, ये तो ब्लू बर्ड पे लेके चला गया।
डॉक्यूमेंट में चल के देखते हैं। अच्छा ये हमारा फाइंड वन एंड अपडेट, इस पे क्लिक कर दिया मैंने और मैं नीचे आ गया। अच्छा मुझे याद आ गया, इसमें तो डॉक्यूमेंट तो खैर नहीं दिखा मुझे, लेकिन मुझे वैसे याद आ गया कि अगर मैं कॉल बैक हटा के ना इसमें डॉट एग्जिट लगा दूं तो उससे जो है मुझे क्या हो जाता है, वो प्रॉमिस रिटर्न करना शुरू कर देता है। इसमें मैं लगा दूं डॉट एग्जिट, ऐसे करके एग्जीक्यूट का ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इससे मुझे क्या करने लगता है, ये प्रॉमिस मुझे रिटर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, और प्रॉमिस जब मैं करूंगा तो क्या होगा, मुझे लेट अपडेटेड इक्वल्स टू, सही है प्रॉमिस है तो मुझे अवेट भी लगाना पड़ेगा इस पर। ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने अवेट लगा दिया है तो इसका जो पेरेंट फंक्शन है, जो भी पेरेंट फंक्शन है इसका, उसमें एसिंक लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं पहले से लगा हुआ है या नहीं, लगा हुआ है पहले से। ठीक है, हैंडल इनपुट में पहले से एसिंक लगा हुआ है। अच्छा ये अपडेटेड जो मैंने यहाँ पे कर दिया ना, अब मैं क्या करूंगा, मुझे नीचे इसके अपडेटेड मिल रहा होगा। ठीक है जी, अब ये इस तरह से होगा। अच्छा ये एरर मुझे अब नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एरर मुझे कहाँ पे मिलेगा, कैच के अंदर मिलेगा, क्योंकि जब भी हम एसिंक का वेट वाला काम करते हैं तो हमें ट्राई कैच के ब्लॉक में उसको करना पड़ता है, और ट्राई कैच के ब्लॉक में करके हम उसके एरर को पकड़ रहे होते हैं। तो मैंने कहा ट्राई ठीक है, और साथ में मैं लगाऊंगा कैच। ठीक है, और यहां पे मैंने दे दिया एरर। अगर इस पूरे ब्लॉक में कहीं पे भी एरर आएगा तो मुझे इस कैच में वो मिल रहा होगा, और यहां पे मैंने ये चीज लगा दी। अच्छा ये मैंने उल्टा कर दिया बाय द वे, जो ऊपर करना था उसको नीचे कर दिया और जो नीचे करना था उसको ऊपर कर दिया। ठीक है, तो उसको मैं सही कर देता हूँ। सही है, नॉट एरर का मतलब सक्सेस होता है ना, तो सक्सेसफुल पे ये काम करवाया और एरर पे मैंने क्या करवा दिया कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग इन बीबी ऑपरेशन, ये लिखवा दिए। तो एसिंक अवेट में सेम काम को करने का तरीका ये, और मैं इस अपडेटेड को मैं कॉन्सोल भी करवा देता हूं यहां पे, कॉन्सोल डॉट लॉग एडिट टू कार्ड, और कॉमा करके मैंने क्या किया, अपडेटेड को प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से मैं यहां पे console dot log करके error को भी print करवा देता हूँ। ठीक है, error in db और comma डाले के मैंने err यहाँ पे print करवा दिया कि अगर कोई error यहाँ पे आता है तो वो मुझे console पे print भी करे, क्योंकि अगर ये error आएगा तो मुझे something went wrong तो वो बोल देगा, या हो सकता है fallback में लेके चला जाए, but यहाँ पे ये मुझे print करके console पे भी कुछ ना कुछ दिखाए still। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे और दोबारा से हम इसके साथ वही करके देखते हैं। गिव मी 3 बीफ कबाब। अच्छा अब आप नोटिस करें कि जिस तेजी से मैं काम कर रहा हूं इस वक्त सर्वर पे, क्या अगर मैं ये लैम्डा फंक्शन डैशबोर्ड पे इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या मैं इतनी तेजी से ये काम कर पाता कि मैं फटाफट अपडेट कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं और जाके टेस्ट कर रहा हूं। इस वजह से हम इस अप्रोच पे आए, एक ये भी रीजन था कि इतनी तेजी से काम करना वो पॉसिबल नहीं है। लिखूंगा इंटेलिजेंस नहीं देगा, सेव करूंगा वो फिर सेव होगा, ये नहीं बताएगा कि एरर कहां पर है। ठीक है, बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जो हमें नहीं मिल रही होती। अच्छा मेरे ख्याल है ये स्किल हमारी जो है ना वो बंद हो गई है, तो मैं इसको कहता हूँ ओपन मलिक रेस्टोरेंट दोबारा से। ठीक है जी, यू कैन आस्क फॉर द मेन्यू, और मैंने कहा कि भाई गिव मी 3 बीफ कबाब, डायरेक्ट कह दिया मैंने उसको। डियर इंजमाम मलिक, 3 beef kebab is added in your cart. Feel free to add more dishes or say checkout to complete your order. अच्छा यहाँ पे आप देखें updated में क्या-क्या चीजें आई हैं आपके पास। Updated में आया है कि added to cart, सही है? और ये पूरा object आपको मिला है। ये पूरा object आपको पहली दफा में most probably मिलता है, शायद second time ही आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी upstart चला है ना, तो एक्चुअली वो क्रिएट हुआ है, तो क्रिएट के रिस्पांस में पूरा ऑब्जेक्ट मिलता है।
अभी सेकंड टाइम हम नोट करेंगे कि ये मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट मिलेगा ये। खैर अब किसके रिस्पांस में क्या मिलता है वो डॉक्यूमेंटेशन से आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंटेशन समटाइम थोड़ी बहुत चेंज भी होती रहती है, बंदा भूल भी जाता है। तो ये रिस्पांस में क्या मिलेगा वो या तो आप ट्राई करके देख सकते हैं या डॉक्यूमेंट में पहले से लिखा हुआ वो देख सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेकंड टाइम में ये काउंट बताएगा कि इतने डॉक्यूमेंट इससे अफेक्टेड हुए। आइटम में आईडी आएगी ना, आइटम में आईडी भी आएगी। हम डेटाबेस में देखते हैं ना जाके डायरेक्ट कि वहां क्या है। असल में जितने भी नेस्टेड स्कीमा होते हैं ना, हमने असल में स्कीमा नेस्टेड किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा छोटा ऑब्जेक्ट है तो वो उसको अलग डॉक्यूमेंट कंसिडर कर रहा होता है, इस वजह से उसकी भी एक आईडी होती है, ठीक है जी। ये आइटम हमारे पास यहाँ पे आया है यार, बट ये क्या हुआ, इसमें तो सिर्फ आईडी आ गई, डेटा नहीं आया, हमने कोई मिस्टेक किया ना जिसकी वजह से नहीं आया वो, तो सेव नहीं हुआ। नहीं मतलब वो सेव तो हो गया, अपसेंट भी चल गया, बट वो जो एक्चुअल चीज मैंने भेजी थी ना वो नहीं पहुंची वहां। ईमेल पहुंच गया, नाम पहुंच गया, एरे में पुश नहीं हुआ वो। अब ये पुश का कोड मोस्ट प्रोबेबली मैंने शायद गलत लिख दिया, देख लेते हैं जाके डॉक्यूमेंट में कि पुश का कोड कैसे होता है। अच्छा मैं दोबारा कहाँ चला जाऊंगा, स्कीमा टाइप्स में चला जाऊंगा मैं वापस, स्कीमा टाइप में गया, यहाँ पे जहाँ पे एरे आ रहा है उसमें चला जाता हूँ मैं, ये एरे आ गया। यहाँ तो बता ही नहीं रहा यार, डॉक्यूमेंट्स में जाके देखते हैं, कंट्रोल एफ फॉर डॉलर पुश। फाइंड वन एंड अपडेट में देखते हैं, वहां पे शायद बताया वो। हाँ ये आ गया ना डॉलर पुश। अच्छा ये मैंने वाकई गलत लिखा है ना, सही कह रहा हूँ, सही उसने नहीं किया ना, ये मैंने गलत लिखा है। क्या गलत किया है मैंने इसके अंदर, मुझे इसको इस तरह से करके देना है, डॉलर पुश टॉप पे लगेगा। ओके डॉलर पुश की और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि मैं समझ आ जाए। नहीं इसके मुताबिक मैंने गलत लिखा है, असल में इसमें क्या कह रहा है कि वो की भी आपको पुश के अंदर लिखनी है, जो की असल में मैंने बाहर लिखी हुई है ना यहाँ पे आइटम के अंदर पुश किया हुआ है, ये कह रहा है पुश बाहर होगा आइटम्स अंदर होगा, ये कह रहा है। कंट्रोल एक्स किया मैंने इसको और यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये कह रहा है इस तरह से होगा, समझ रहे, मैंने अपोजिट लिख दिया था, पुश को अंदर कर दिया था, आइटम्स को बाहर कर दिया था, तो ये कह रहा है कि भाई इस तरह से होगा और आइटम्स के अंदर ना आपको ऐसे करके ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगानी होगी, ठीक है। मैं अभी वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सीन है इसमें। डॉलर पुश इसने रूट पे लिखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओपन किया, टैग लिखा है और टैग के अंदर एरे दे दिया ना, सही है। आइटम लिखा है उसके अंदर पूरे एरे, सही है, इसी तरह बताया गया। चला के देखते हैं यार, कोई मसला थोड़ी है, नहीं चला तो दूसरा दोबारा डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे, तो हमें बोलेंगे थोड़ी है। अच्छा मैं दोबारा गया, मैंने कहा आस्क मलिक रेस्टोरेंट टू गिव मी 3 बीफ कबाब, आस्क मलिक रेस्टोरेंट टू गिव मी 3 बीफ कबाब। एक और ऐड कर देते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। How many 3 beef would you like to order? अच्छा अब 3 beef इसने जो है ना पकड़ लिया है, ठीक है। मैंने कहा कि 5 3 beef, अब ये कोई ग्लिच है मे बी इसका, क्यों 3 How many 3 beef would you like to order? One. क्वांटिटी में ना उसको अभी तक एनएन मिला हुआ है, अच्छा अब इसने ना रिस्पॉन्स ही नहीं दिया सामने से।
खैर हम इससे इज्जत से दोबारा करते हैं ओपन मलिक रेस्टोरेंट Fall back in tent. Sorry, I had trouble doing what you asked. Please try again. Three beef. Come on. पहले सीधे-सीधे आइटम तो कर लेना। Dear Inzamam Malik, three beef kebab is added in your cart. Feel free to add more dishes or say checkout to complete your order. अच्छा, हमने कार्ड नहीं भेजा ना तो वो पुराना ही कार्ड दिखा रहा है। Placing order पे कार्ड नहीं भेजा हमने। कार्ड अभी इसमें लगा देते हैं। अच्छा, but अभी ये देख लेते हैं हम। कि इसमें आइटम ऐड हुआ या नहीं हुआ अब ऐड हो गया सही है इससे पहले हमने क्या किया था अपोजिट कर दिया था इसलिए नहीं हुआ था अच्छा मैंने वो डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक आइटम ऐसा आ गया उसमें कुछ था नहीं तो बाद में मेरे कोड को ब्रेक ना करे इसकी वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया और मैं अब अगेन इसको कहता हूँ कि गिव मी थ्री बीफ कबाब अच्छा मैंने रीप्रॉम्प्ट नहीं लिया ना इसके अंदर डियर इंजमाम मालिक थ्री बीफ कबाब इज एडेड इन योर कार्ट फील फ्री टू ऐड मोर डिशेस और से चेक आउट टू कंप्लीट योर ऑर्डर अच्छा अजीब सी बात है देखो इसमें मैंने रीप्रॉम्प्ट नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी इसने ना उसको पिक कर लिया नहीं ना देखो मैंने कहा कि गिव मी थ्री बीफ कबाब इसने कहा डियर इंजमाम एडेड एडेड हो गया अब यहां पे इसको एग्जिट कर जाना चाहिए ना इस पॉइंट पे क्योंकि मैंने रीप्रॉम्प्ट तो नहीं लिया हुआ लेकिन इसको मैंने बोला कि गिव मी थ्री बीफ कबाब तो इसने पिक कर लिया दोबारा से पिक कर लिया इसने ठीक है अच्छा मे बी इन्होंने कोई एडवांसमेंट की हो जो अभी तक इन्होंने यूजर को बताई ना हो क्योंकि गूगल असिस्टेंट में ना एक इस तरह की चीज है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टॉक कहते हैं उसको तो कंटिन्यूस टॉक में क्या होता है कि कोई भी बात अगर आप पूछते हैं ना उससे तो वो बात पूछने के बाद ना दो सेकंड तक माइक ओपन रखता है ये गूगल असिस्टेंट में आ चुका है और काफी सही चलता है तो आप बैक टू बैक बोलते जाएंगे ना तो वो सुनता जाता है वो बिल्कुल ठंडा नहीं होगा वो बिल्कुल ठंडा जब होगा जब आप थोड़ी देर खामोश रहेंगे ना बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे फिर वो ठंडा होगा अदरवाइज वो बैक टू बैक कुछ ना कुछ बोलता रहेगा तो मे बी उस तरह की कोई चीज इन्होंने एडवांसमेंट की हो जो हमें अभी तक पता नहीं है या डॉक्यूमेंट पे वो नई चीज आई हुई इस वजह से हो रहा या मोस्ट प्रॉब्ली कोई ग्लिच है जो कि होना नहीं चाहिए अच्छा थ्री बीफ कबाब मैंने ऐड कर दिया अब मैं इसको कहता हूं कि भाई मेन्यू शो मी मेन्यू मेन्यू भी दिखा दिया अच्छा मैंने कहा भाई मटन कबाब इन द मेन्यू वी हैव बीफ कबाब मटन कबाब चिकन रेशमी कबाब गोला कबाब एंड सीख कबाब वन मटन कबाब भी मैंने कह दिया चिकन रेशमी कबाब क्या करना पड़ेगा कबाब एंड सीख कबाब एडिट करना पड़ेगा जाके के अगर मैं इसको कहूं गिव मी वन अगर मैं इसको कहूं गिव मी और वन मटन कबाब अच्छा आप नोट कीजिएगा जब मैं इंटेंट में लिख रहा था ना तो मुझे भी ये फील नहीं हुआ कि वन मटन कबाब होना चाहिए बट अभी मैं जब इस पॉइंट पे आया हूं एज अ यूजर मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं तो मैं खुद वो चीज लिख रहा हूं जो मैंने ऐड नहीं की तो दिस इज द मोस्ट नेचुरल वे तो आप उसको जैसे जैसे बोलते जाएंगे ना अभी मुझे पता चल गया अच्छा ये मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि इस तरह बंदा बोल सकता है जी हाँ हाँ लगा सकते हैं बिल्कुल मिसाल के तौर पे मैं ये कर सकता हूँ कि अगर ये जो है ना नॉट क्वांटिटी बड़े आराम से मैं ये कर सकता हूँ अच्छा तो अब इसने कहा कि यार क्या हुआ वन मटन कबाब भी ऐड हो गया अच्छा अब मैंने कहा भाई चिकन रेशमी कबाब गिव मी हाँ बोलो देखो इंटेंट अगर बनाओगे उसका तो पॉसिबल तो ये है लेकिन अभी के केस में ये पॉसिबल नहीं है
मैंने कहा भाई गिव मी चिकन रेशमी कबाब, इसने कहा हाउ मैनी, मैंने कहा भाई ये वन लेकर आ जाओ, ठीक है। अच्छा वन देखो ये पिक नहीं कर रहा, ये वन क्यों नहीं पिक कर रहा, क्योंकि मैंने उसके एग्जांपल्स में लिखा हुआ नहीं है। किसके एग्जांपल्स में, जहां पे मैंने रिक्वायर्ड लगाया ना उसमें कहता ना कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसा रिस्पांस है, वहां पे नहीं बताया। तो मैं इसको कुछ मुख्तलिफ तरह से देखने की कोशिश करता हूँ। गिव मी वन प्लेट Please tell me the name of dish. You can ask me to show menu. अच्छा मैंने इसको one plate कहा तो अब ये कह रहा है dish का नाम लगाओ। Chicken रेशमी कबाब मैंने कहा इससे। ठीक है वन चिकन रेशमी कबाब आ गया। अब जरा हम डेटाबेस को देख लेते हैं कि डेटाबेस की क्या सूरत हाल है। ठीक है तीन आइटम ऐड हो चुके हैं, तीनों आइटम की क्वांटिटी भी आ चुकी है। अच्छा बीफ कबाब 3, मटन कबाब 1, चिकन रेशमी कबाब 1। अब ये हमारे पास कार्ट मेंटेन हो चुका है। अब ये दो दिन बाद तीन दिन बाद भी जब आए तो उसको ये कार्ट दिखेगा यहाँ पे। अब अगला काम हमें क्या करना है, What is in my cart? मेरे कार्ट में अभी क्या मौजूद है? अभी हमने प्राइसिंग वगैरह तो लगाई नहीं है, लेकिन आप वो भी लगा सकते हैं जो मेन्यू है आपका, उसमें आप एक बना लेंगे यार बीफ कबाब इतने का है, तो वो यहाँ पे आप जो आइटम ऐड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी है उसकी प्राइसिंग भी ऐड कर दें, तो जब फाइनल ऑर्डर होगा तो उसी को सम करेंगे तो प्राइसिंग आ जाएगी। तो ईजी है वो, नॉट अ बिग डील। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज इन माय कार्ट राइट नाउ, फिर डिलीट कर दो मेरे कार्ट। मिसाल के तौर पे उसने कुछ गलत ऐड कर दिया तो डिलीट करना है एक आइटम कार्ट में से, काफी सारे काम है ना। हाँ करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं करेंगे कि एक एक करके डिलीट करवाएं, हम फिलहाल ये करेंगे एम्प्टी माय कार्ट, सारा उड़ा दो मेरे कार्ट में से, शुरू से फ्रॉम स्क्रैच दोबारा। फिर मैं उससे कहूंगा चेकआउट, चेकआउट का एक इंटेंट हमें बनाना होगा। चेकआउट जब वो करे तो ये सारे आइटम उठाए और एक दूसरी कलेक्शन में डाले, उसका एक ऑर्डर नंबर भी हो जनरेट हो, ऑर्डर नंबर भी एक जनरेट हो जाए उसका, और वो ऑर्डर्स की जो मेरी कलेक्शन है उसके अंदर मूव कर जाए, यहां से खाली हो, डिलीट नहीं हो खाली हो। और आइडियल केस तो ये हो कि बाद में वो पूछे कि व्हाट अबाउट माय ऑर्डर या व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, तो वो उसको उस टेबल में से भी उठा के दिखाए कि भाई आपने ये ऑर्डर लगाया था इतने बजे लगाया था। अब जाहिर है आगे कोई किचन में बंदा तो है नहीं जो उसका स्टेटस चेंज कर रहा हो फिलहाल, अदरवाइज उसका स्टेटस भी हम उठा के बता सकते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, तो उसका सबसे आखिरी जो ऑर्डर लगाया है डेटाबेस से उठा के उसका स्टेटस देखो मैं डॉट स्टेटस, और वो डिस्प्ले लगा दूं कि प्रिपेयरिंग है या गार्निशिंग हो रहा है या कुछ भी, राइडर लेके चल चुका है, बहुत सारी इस तरह की स्टेटस वाली चीजें हो सकती है, ठीक है, या वेटिंग पे लगा हुआ है अभी आपका बनना शुरू ही नहीं हुआ, तो इस तरह की काफी सारी चीजें इसमें हो सकती है। अब आप लोगों का टास्क क्या है आज का, असूलन तो मैं लास्ट क्लास में जो बोला था मैंने कि फूड ऑर्डरिंग जितनी मैंने बनवा दी उतनी बनी भी होनी चाहिए। अब आपके अंदर एक हमें ऐसे चीते की तलाश है जो ये सारी बातें मैंने बोली है ना ये कल करके लेकर आते हैं अगली क्लास में। कार्ट में चीजें ऐड हो रही हो वो तो मैंने करवा दिया उतना तो सही है, वहां से वो कार्ट में जब वो पूछेंगे व्हाट इज इन माय कार्ट तो वो पूरे वो लूप चला के बताएंगे यार ये है आपके पास, गेट करे वो ईमेल से और बताएंगे यार ये आपके कार्ट में मौजूद है, फिर वो कहे क्लियर कार्ट तो कार्ट क्लियर हो गया। डेटाबेस में मोंगो डीबी में देख लेना गूगल करके कि मोंगो डीबी में एक आइटम को क्लियर कैसे करते हैं, बता भी चुका हूं मैं, एम्प्टी एरर रखूंगा क्लियर हो जाएगा, है ना, डॉलर पुश हटा के एम्प्टी एरर रख दूंगा क्लियर हो गया, क्लियर कार्ट कर लो। उसके बाद चेकआउट, चेकआउट जब मैं करूं तो ये सारे आइटम उठे और किसमें चले जाएं, ऑर्डर्स की एक दूसरी कलेक्शन हो उसमें चले जाएंगे, यही सारे होंगे उसमें भी, स्कीमा तो सेम होगा उसका भी, स्कीमा अलग तो नहीं होगा, स्कीमा दोनों का सेम होगा। अच्छा ये तीन चीजें हो गई, चौथी चीज ये हो कि इसमें प्राइसिंग भी ऐड हो जाए, आपके सर्वर में ऊपर ही एक ऑब्जेक्ट बना हुआ हो जिसमें हर डिश के अगेंस्ट उसके प्राइसिंग लिखी हुई हो, तो जब बंदा कार्ट में ऐड करे तो साथ साथ प्राइसिंग भी ऐड होती जाए, बंदा जब पूछे कि व्हाट इज इन माय कार्ट तो उसको वो ना सिर्फ ये बताए कि क्या क्या डिश है बल्कि कितने टोटल हुए वो भी बताए कि इतने टोटल पैसे आपके हो चुके हैं, और जब ऑर्डर बंदा फिनिश करे फाइनल
चेकआउट करे तो उसको उस वक्त भी वो बताए कि भाई आपका ऑर्डर लग चुका है और इतने पैसे आपके हुए हैं, और वेटिंग टाइम भी अगर हो सके तो वो भी ऐड कर दें, क्योंकि हर डिश का एक वेटिंग टाइम होता है। अगर आप कढ़ाई मंगवाएंगे तो वो आपको आधे घंटे का वेटिंग टाइम बताएगा कम से कम। ऑन अदर एंड अगर बिरयानी बनाएंगे आप, बिरयानी कह रहे ले आओ, 5 मिनट भी नहीं लगते उसमें, वो निकालेगा लेकर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कुछ चीजें होती है उसमें और ज्यादा टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर आपने फिश वगैरह अगर बनाई तो फिश को वो साफ करता है पहले, क्योंकि वो बनी भी नहीं होती फिश, आपसे तोल के आपने प्राउन्स या कोई बड़ी मछली कुछ भी किया, वो उसको साफ करेगा, फिर उसको फ्राई करेगा या ग्रिल करेगा या शोरबे में पकाएगा, जिसमें भी उसमें आपको 45 मिनट तक का वेट करना पड़ सकता है। वेटिंग टाइम हर डिश का अलग अलग है, तो हर डिश के साथ पैसे भी लिखे हुए, वेटिंग टाइम भी लिखा हुआ। और जब मैं पूछूं कि यार व्हाट इज इन माय कार्ड, तो वो मुझे ये बताए कि कौन कौन सी डिश है, टोटल पैसे इतने हो गए और वेटिंग टाइम आपका इतना होगा। समझ आई? पैसों के साथ साथ वेटिंग टाइम भी होगा डिश का। अब देखते हैं कौन बना के लाता है। ये प्रायोरिटी की बात है भाई, आज अगर लगोगे अभी तो कल इसी टाइम तक 24 घंटे और परसों इसी टाइम तक 48 घंटे, ठीक है। अच्छा अभी तो है भी आज आखिरी क्लास ना, अब तो मंडे को होगी, पूरा सैटरडे पूरा संडे और ऑलमोस्ट पूरा मंडे भी, तो आपके पास 24 और 24 48 और 24 और 72 घंटे हैं आपके पास। 72 घंटे में प्रायोरिटी की बात है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सैटरडे को मेरा बहुत दिल करता है कि मैं सैटरडे को ना कोई लगाऊं कॉमेडी शो नया वाला, ठीक है ना, फ्लफी एक है बड़ा मेरा फेवरेट है, या जाकिर खान का भी एक नया शो आया हुआ है, वो मैंने नहीं देखा अभी तक, मेरा बड़ा दिल करता है मैं लगाऊं वो, सही है। या एक मैंने घोस्ट बस्टर करके भी बड़ी अच्छी मूवी चल रही है वो, उसके मैंने 5 पार्ट है, 1984 में पहला आया था, वो पहला वाला देख लिया, अब वो बाकी 4 मैंने देखना है, सही है। अरबी का मैंने पूरा एक अरबी सीखने वाला पूरा कोर्स निकाला हुआ है, अरबी सीख रहा हूँ मैं आजकल, अरबी सीखनी चाहिए, कुरान की लैंग्वेज अरबी है। कैफल हाल अना साहिब, तो वो भी मैंने वीडियो निकाल के रखी हुई है। अब देखो प्रायोरिटी की बात है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मैंने इस क्लास के लिए काफी कुछ प्लान किया हुआ है, फिर मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी भी, उनके भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अब शादी तो मैं करवाऊंगा नहीं तुम लोगों की, वो तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ मैं ये प्लान कर सकता हूँ कि आगे क्लास में क्या पढ़ाना है, आगे क्लास में, क्योंकि मुझे हर दिन सोचना पड़ता है कि यार मैं अब आगे क्या पढ़ाऊँ, अब आगे क्या पढ़ाऊँ। जाहिर है एक जो आपने शुरू में डिसाइड की हुई होती है चीजें, उस तरह से चीजें चल नहीं सकती प्रॉपर। मुझे समटाइम फील होता है कि अच्छा यार स्टूडेंट्स मेरे इस चीज में भी वीक है, इस चीज में भी वीक है, तो थोड़ा उन चीजों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। हर चीज सोचनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अभी मैं गौर कर रहा हूँ कि डायलॉग फ्लो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिएक्ट पढ़ने चाहिए, थोड़ी सी होगी वो, लेकिन प्रॉब्लम है ना उसमें। अब प्रॉब्लम ये है कि रिएक्ट अगर मैं शुरू करूंगा तो वो हमारी कम से कम 3 वीक्स वो खा जाएगा, मिनिमल भी अगर मैं करूँ तो। अब मैं तरीका तलाश कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ प्रॉपर चीजों को, अब मैं तरीका ये तलाश कर रहा हूँ कि 1 वीक मैं इस पे इसको दे सकता हूँ, 1 वीक। तो 1 वीक में कैसे मैं रिएक्ट पूरी कंप्लीट कराऊँ, जितनी जरूरत है पूरा तो जाहिर नहीं कर सकते हैं। 1 वीक की जो 3 क्लासें हैं हमारी, वो 3 क्लासों में कैसे मैं रिएक्ट को एक रिएक्ट की चैट ऐप उतने में बना लें, ये काम कैसे किया जाए, तो मैं इस बारे में जाहिर है तो ये चीजें सोचनी पड़ती हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ तो अब वो स्टेट मैनेजमेंट करानी है या नहीं करानी, नहीं जरूरत नहीं है ना हमारे केस में। मिसाल के तौर पर मैं रिडक्स पढ़ाने बैठ जाऊँ उसकी जरूरत नहीं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की भी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक कॉम्पोनेंट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत है। तो मैं जाहिर है ये चीजें प्लान करनी पड़ती है, वैसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ बैठूं आगे और पढ़ाना शुरू कर दूं, समझ रहे हो, बड़ा मसला होता है। और ये अगर सही मानों में देखा जाए तो पहली प्रॉपर क्लास है चैटबॉट की, पहली प्रॉपर क्लास है, इससे पहले इस तरह की कोई क्लास मैंने कभी भी नहीं पढ़ाई। अलग अलग पढ़ाया है, इंटरनेशनल जो कभी मिल जाता है कोई उड़ता हुआ कि सर ये पढ़ा दें, डायलॉग फ्लो में मसला आ रहा है वो आ रहा है, तो अलग अलग किया है हमने, लेकिन एक प्रॉपर मिला के ना तीनों चीजों को, ये एक पहली प्रॉपर क्लास है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कई दफा पढ़ाया है, कई एक मुख्तलिफ यूडेमी पे भी कोर्सेज वोर्सेज बने हुए, बट वो क्या, वो सिर्फ डायलॉग फ्लो है, उसमें सब नहीं है,
तो सब जो हो रहा है ना वो ये पहली दफा हो रहा है, तो जाहिर है ये एक कोर्स आउटलाइन बन जाएगा, एक डॉक्यूमेंट, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी, तो हम बाद में इसके मजीद बैचेस शुरू कर सकते हैं, दूसरे टीचर्स को ट्रेन करके इसको मैसिव स्केल पे भी इन चीजों को किया जा सकता है। तो जाहिर है सिर्फ यहाँ पे मैं पढ़ा के चला जाऊं, मेरा गोल इससे कहीं आगे का है ना, तो मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रायोरिटी की बात है कि अब ये सैटरडे मैं किन चीज में लगाऊं, एक प्रायोरिटी ये भी है कि इसमें डेंट आ गया इसके लिए मुझे हार्ड कवर लेना है जाके, ये भी एक है चीज। अब कौन सी वाली चीज प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है वो करूंगा मैं पहले, उसके बाद सेकंड पे, उसके बाद थर्ड पे, उसके बाद फोर्थ पे। और इसका हार्ड शेल मैं 3 महीने से सोच रहा हूँ कि मैं जाऊंगा, बट वो प्रायोरिटी में कहीं नीचे है, पता नहीं कहाँ है प्रायोरिटी में, वो कहीं नीचे है, नहीं हो पा रहा है? पता नहीं है, खुली भी तो खैर होती है लेकिन ये कि मैं जा नहीं पा रहा। ठीक है, मुझे मोटरसाइकिल की ब्रेकें टाइट करवानी है, एक हफ्ते से सोच रहा हूँ उसको करवा लूंगा कहीं रोक के, हाथ से मैंने कोशिश की वो इतना जाम है हाथ से हो ही नहीं रहा तो वो भी नहीं करवा पा रहा मैं, क्योंकि मैं घर से निकलता हूँ टोकन टाइम पे और यहाँ से जाते हुए भी टोकन टाइम है, क्योंकि मुझे जाके पता है क्या चीजें करनी है दूसरी।